It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello friends, good evening. Welcome back to your own YouTube channel Unacademy GATE/ESE. So very good evening सभी बच्चों को. और आज तुम लोग डेट और टाइम दोनों ही नोट कर लो. बढ़िया एक सब्जेक्ट शुरू होने वाला है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, जो शुरू करेंगे तुम्हारे चेतन सर. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग. उससे पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे. जितने बच्चे अभी प्रेजेंट हैं सबको सर की तरफ से वेरी गुड इवनिंग. और सभी बच्चों के कमेंट्स हम पढ़ पा रहे हैं. विनीत, इस्लाम, खुशबू, सतप्रकाश, अभिलाष, नेहाल, रितेश, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं. दुर्गेश, पुनीत, आंचल, हर्ष, शीतल, जितने बच्चे हैं सबको यार गुड इवनिंग. सबको सर की तरफ से वेरी गुड इवनिंग है. और फटाफट जल्दी सेशन को और शेयर कर देंगे फटाफट और लाइक कर देंगे. ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं कि स्टील के अंदर हम लोग कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे वो डिस्कस करते हैं. और हम लोग कुछ बेसिक प्रीरिक्विजिट बात करेंगे. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ही स्पीड में लेते हुए चलेंगे हम लोग. और देखो स्टील का वेटेज थोड़ा सा कम है एज इन, मतलब कंपेयर टू ईएसई गेट की अगर हम बात करें तो ईएसई में थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन गेट में थोड़ा सा कम है. तो बात करते हैं हम लोग एक करके, अच्छे समझते हैं कि स्टील के अंदर किस चीज़ का कितना वेटेज है. ठीक है, एक बार सब लोग जल्दी से कमेंट कर देंगे कि ऑडियो सर का एकदम बढ़िया से आ रहा है कि नहीं. और उसके बाद लेके प्रभु का नाम हम लोग अपने सब्जेक्ट को शुरू करेंगे बढ़िया से. ठीक है, एक बार जल्दी सब लोग कमेंट कर देंगे. ऑडियो एकदम क्लियर चल रहा है कि नहीं, ऑडियो एकदम क्लियर चल रहा है कि नहीं, बिल्कुल कमेंट कर देंगे बार. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. बाकी सभी लोग सर को जानते हैं. ठीक है, ये मेरा पूरा प्रोफाइल है, तुम लोग यहाँ देख सकते हो. बेस्ट गेट रैंक 55 एंड 301 एक्सपर्ट इन GATE/ESE. और टीचिंग एक्सपीरियंस अब 4 साल का हो चुका है. सब्जेक्ट्स अभी फिलहाल जो है तुम लोग के कॉन्क्रीट और स्टील चलेंगे मंथ ऑफ मे में. एक बार हम बात कर लेते हैं बेसिक. तुम्हारा मंथ ऑफ मे में कॉन्क्रीट जो तुम्हारा RCC है वो चल रहा है सुबह 7 बजे. सब लोग टाइम नोट कर सकते हैं. और शाम को 4 बजे चलेगा स्टील बढ़िया तरीके से. ठीक है, ये सबको पता है. और BMC हमारा खत्म हो चुका है जिसका PDF तुमको मिल जाएगा. सर का कोड तुमको पता है जिसको यूज करके तुम लोग कॉम्बैट सेशन अटेंड कर सकते हो. ठीक है, कॉम्बैट सेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो. सबको पता है हर संडे इन द मंथ ऑफ मे हमारा कॉम्बैट सेशन होने वाला है. 2nd, 9th, 16th, 23rd, 30th. सभी लोग पार्टिसिपेट करो, खूब सारे प्राइजेस जीतो. और बढ़िया से तुम लोग स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो ये जानते हो तुम लोग जिनकी फर्स्ट से थर्ड रैंक आती है उनको पूरा सब्सक्रिप्शन फी मिलता है, जिनकी 4 से 10 रैंक है उनको 75% ऑफ मिलता है, 11 से 50 में 50% और 51 से 100 में 25% ऑफ मिलता है, ठीक है। तो जरूर से सब लोग कॉम्बैट सेशन अटेंड करें और अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे तुम लोग बहुत सारी फ्री लाइव क्लास देख सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम लोग एक्सप्लोर कर सकते हो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके, ठीक है। और ये सब्सक्रिप्शन फीस है जो तुमको पता है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक सबको पता है और सभी बच्चे सर को अनअकैडमी की ऐप पे फॉलो कर लेंगे जहाँ पे सर तुम लोग को बढ़िया क्लासेस तुम लोग लेंगे। और इन द मंथ ऑफ मे की बात करें एक स्पेशल क्लास भी हम लोग लेंगे जिसमें हम लोग स्टील और आरसीसी के खूब सारे डिजाइन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, उससे पहले तुमको हम फिर से मंथ ऑफ मे में जरा टाइमिंग बता देते हैं। सुबह 7 बजे हमारा आरसीसी चलता रहेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आरसीसी तुमको हम पढ़ा रहे हैं, जिससे चाहे तुम्हारा ईएसई हो, चाहे गेट हो, चाहे एसएससी जेई हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी मतलब एग्जाम हो, तुम आरसीसी के सारे क्वेश्चंस कर सको। उसी तरीके से हम लोग शाम को 4 बजे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, इसमें भी हम लोग गेट ईएसई सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग फटाफट चलते हैं अपने सिलेबस की ओर और उड़ाते हुए चलते हैं एकदम, ठीक है। तो अगर तुम लोग यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं एक बार जल्दी से, है ना, पढ़ने क्या वाले हैं वो बात करते हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग बात करते हैं कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के अंदर हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। सब लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में तहलका मचाते चलेंगे, कमेंट्स सर तुम लोग के देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो तुम लोग ये सोच रहे होगे सर स्टील पढ़ना है तो इससे पहले क्या बेसिक ऑफ मतलब हमको और क्या आना चाहिए इससे पहले, व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स, तो तुमको लगता होगा कि इसमें सोम तुम्हें चाहिए, है ना, सोम की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होनी चाहिए ऐसा लगता होगा, लेकिन तुम यकीन करो सर तुमको ऐसा पढ़ाएंगे कि तुमको सोम स्ट्रक्चर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत जरूरत सोम की पड़ती है, ऑब्वियसली तुमको बेंडिंग का आइडिया होना चाहिए, स्ट्रेसेस का आइडिया होना चाहिए, लेकिन वो तुम वैसे भी आज हम तुमको कवर करा देंगे, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक हम यहाँ पे थोड़ा बहुत तुमको बताते चलेंगे जिससे कोई कंफ्यूजन तुमको नहीं होगी, जो स्टार्टिंग से भी शुरू कर रहे हैं उनको भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम पूरी कोशिश करेंगे। सोम स्ट्रक्चर यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट है लेकिन जरूरत नहीं है, है ना। जो लोग पढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है, जिन्होंने सोम स्ट्रक्चर पढ़ रखा है बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं यार हम लोग अब, और अब बात कर लेते हैं जरा वेटेज वगैरह की बात कर लेते हैं। तो देखो यार ऐसा है कि ये सब सब्जेक्ट्स, ये सब जो चैप्टर्स हैं स्टील के अंदर ये हम लोग पढ़ाएंगे तुमको, और जब पहले हम लोग देखेंगे कि जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, स्ट्रक्चरल स्टील होती क्या है, हम लोग को बेसिक स्टील क्या होती है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। हमको समझना पड़ेगा कि स्टील बनती कैसे है, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा है अंडर टेंसाइल लोडिंग, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कोड में लिखी हुई हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा स्टील का सर कोड कौन सा है, सर स्टील का एक कोड है जो हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, IS 800। देखो दो कोड थे, एक था 1984 का पहले वाला, ये वाला कोड जो सर था ये हमारा WSM कोड था, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड को फॉलो करता था, ठीक है। और हमारा एक कोड अब नया आ चुका है IS 800:2007 जो कि हमारा LSM का है, जो लिमिट स्टेट मेथड को फॉलो करता है, ठीक है। फिलहाल हम तुमको दोनों ही चीजें पैरेलली लेके चलेंगे, तुमको हम बताते चलेंगे, ठीक है। तुमको हम बताते चलेंगे कि LSM में क्या होगा, WSM में क्या होगा, हम साइड बाय साइड कंपेयर करते रहेंगे जैसे जैसे हमारे चैप्टर आगे बढ़ेंगे, तो तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल तुम लोग नया कोड अपने पास जरूर रखोगे, ठीक है, नया कोड अपना जरूर रखोगे। ISM क्या नाम है, WSM वाला तुमको हम साइमल्टेनियसली नोट्स बनवाते चलेंगे, तो वो तुम वैसे ही लिख लेना, ठीक है। लेकिन ये कोड सबके पास होना चाहिए, तो आज सब लोग डाउनलोड कर लेंगे, जिनको डाउनलोड करना है वो डाउनलोड कर सकते हैं। PDF इसकी आराम से तुम्हें मिल जाएगी, इजी अवेलेबल। आज हम लोग इसको देखने भी वाले हैं, शुरू के इसके 10-20 पेज हम लोग निहारेंगे, समझेंगे, एक विजुअल वॉक थ्रू लेंगे, समझेंगे अलग अलग टाइप्स के सेक्शन कैसे होते हैं, आज ही हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब जरा बात करते हैं थोड़ा वेटेज की, तो ये कोड सबके पास आ जाना चाहिए, IS 800:2007 वेरी इंपॉर्टेंट कोड, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, बाकी फिर हम लोग बात करेंगे कनेक्शंस की, टेंशन नंबर्स की, कंप्रेशन नंबर्स की, बीम्स, प्लेट गर्डर्स, और मिसलेनियस के अंदर ही बहुत सारे टॉपिक्स हमारे हैं जैसे गैंट्री गर्डर है, इंडस्ट्रियल रूप है, और काफी सारी चीजें हम लोग इसके अंदर समझेंगे। और लास्ट हमारा प्लास्टिक एनालिसिस। अब एक बात और देखो, ये जो प्लास्टिक एनालिसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टील के अंदर, इसके काफी क्वेश्चन आते हैं और ये तुमको पढ़ा रहे हैं अभिषेक सर। देखो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि अभिषेक सर तुमको अभी पढ़ा रहे हैं प्लास्टिक एनालिसिस, आज ही शुरू हुआ है, तुम लोग चाहो तो वो क्लास भी अटेंड कर सकते हो। प्लास्टिक एनालिसिस हम तुमको स्टील के अंदर नहीं पढ़ाएंगे, समझ लो। तुम लोग बहुत जल्दी में रहते हो, तुम लोग चाहते हो सब्जेक्ट जल्दी खत्म हो, तो प्लास्टिक एनालिसिस यहाँ पे अभिषेक सर तुमको पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लास इस समय चल रही है, आज ही से शुरू हुई है 1:45 PM पे, तुम चाहो तो लाइव अटेंड कर सकते हो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। 1:45 PM पे प्लास्टिक एनालिसिस उधर पहला लेके चल रहे हैं, तुमको एनालिसिस करने का आइडिया मिल जाएगा कैसे हम लोग स्टील स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक मेथड, वो तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उधर तुम पढ़ते रहो और इधर हम तुमको बेसिक स्टील के बारे में, कनेक्शंस के बारे में, कनेक्शंस के अंदर वो रिवेट, वेल्ड और जितने भी कनेक्शंस हैं, ठीक है, सब लोग देखेंगे, बोल्ट, फिर टेंशन नंबर को डिजाइन करेंगे, कंप्रेशन नंबर्स को डिजाइन करेंगे, फिर हम लोग बीम को डिजाइन करेंगे और इस तरीके से हम लोग अपने चैप्टर्स को खत्म करते चलेंगे। ठीक है, चलिए ये बात भी हमको समझ में आ गई। तो सभी लोग अच्छे से जान लें, प्लास्टिक एनालिसिस अभिषेक सर कवर करेंगे 1:45 PM में ऑफिसर्स बैच में, और शाम को 4 बजे हम तुमको ये पढ़ाएंगे बाकी सारा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे देख लें। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो ठीक है, स्पेशल क्लास में ले लेंगे, चिंता ना करो। ठीक है, स्पेशल क्लास में ले लेंगे, बिल्कुल चिंता ना करो। बोथ रहेगा बेटा, बोथ LSM WSM दोनों तुमको पढ़ाएंगे, दोनों हम पढ़ाएंगे, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जरा वेटेज की। तो देखो ऐसा है गेट में, अब देखो प्लास्टिक का वेटेज बहुत अच्छा खासा है, एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में प्लास्टिक से ही आता है, चाहे गेट हो, चाहे ESE हो, चाहे मेन्स हो, एक क्वेश्चन को प्लास्टिक का मिलने की हाई चांस है। नहीं तो अगर क्वेश्चन प्लास्टिक से नहीं आता है तो क्वेश्चन टेंशन नंबर से, कनेक्शन से या कंप्रेशन नंबर से आ जाता है। ये शुरू के जो 3 चैप्टर तुम देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी मार्क्स फेच होते हैं। बीम्स, प्लेट गर्डर्स, मिसलेनियस में जो इंडस्ट्रियल रूफ्स है, गैंट्री गर्डर्स है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते यार, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग कवर करा देंगे। ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, इनसे क्वेश्चन कम आते हैं, इनका वेटेज ज्यादा है। वेटेज की अगर हम लोग बात करें तो देखिए सर ऐसा है, गेट में सर हम पहले गेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए गेट में आपको कनेक्शन से एक क्वेश्चन मिल सकता है, क्या पता आपको इसेंट्रिक कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन, कोई एक बेसिक फॉर्मुला, इक्विवेलेंट लोड, कुछ भी फॉर्मुला तुमको यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन तुम इन 3 चैप्टर्स में से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन तुमको यहाँ से मिल सकते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन तुमको प्लास्टिक से मिल सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन तुमको यहाँ से मिल सकते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन तुमको प्लास्टिक से मिलेंगे। गेट की बात हो रही है बेटा, गेट की। तो कुल मिला के सर आप ये कहना चाहते हैं गेट में 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन की रेंज है, जिसमें 1 प्लास्टिक से और 1 इधर 3 में से आने की संभावना है। सही है, और कभी कभी रेयरली अगर मान लो तुम्हारा चांस खराब रहा तो फिर प्लेट गर्डर, बीम्स या मान लो जनरल क्वेश्चन तुमसे पूछ लिए गए, जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारी बात हो गई गेट की। ESE की अगर बात करें यार, ESE की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में तुम ये मान के चलो 5-6 क्वेश्चन तो तुमको मिलने हैं ना, स्टील के 5 to 6 क्वेश्चन एटलीस्ट मिल जाएंगे। 5 to 6 क्वेश्चन तुमको जनरली मिलते हैं, जो कि जनरली कोडल प्रोविजन होंगे कि डिफ्लेक्शन कितना होता है ना, अलाउबल स्ट्रेसेस कितने होते हैं, WSM की रिक्वायरमेंट्स क्या है, LSM की रिक्वायरमेंट्स क्या है, अजम्पशंस क्या होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जनरली वो थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछता है, छोटे छोटे चीजें पूछेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में पूछेगा, कंप्रेशन नंबर कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शंस, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर थ्योरी है जो हम लोग धीमे धीमे कवर करेंगे, वो तुमको समझ में आएगी। ठीक है, तो ये हमारे प्री के हो गए। प्री में हमारे 5-6 क्वेश्चन आते हैं। मेंस में तुम उम्मीद कर सकते हो डिजाइन में तुमको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, मेंस की अगर हम लोग बात करें तो मेंस में डिजाइन में तुमको 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, बस 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो हाँ सर हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टील का वेटेज ओवरऑल बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस के थ्रू लेके चल सकते हैं और हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो अब तुम लोग पूछोगे सर ये खत्म कब तक होगा। सबसे पहला सवाल बच्चों का शुरू होने से पहले ये आता है कि सर खत्म कब तक होगा। ठीक है, तो खत्म अभी पहले 2 महीने से पहले बात ही मत करना, 2 महीने से पहले कोई बात ही नहीं होगी। हम तुमको अभी यही पढ़ाते रहेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि हम यहाँ तक बहुत फोकस करने वाले हैं। ठीक है, जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स, कनेक्शंस, टेंशन नंबर्स और कंप्रेशन नंबर को हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे और तुमको इन डेप्थ अच्छे से पढ़ाएंगे और साइमल्टेनियसली तुम लोग प्लास्टिक एनालिसिस अच्छे से पढ़ते रहो अभिषेक सर से। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं बढ़िया से। अब हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, स्टेट जेई में सब में हेल्प होगा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल हेल्प होगा, बिल्कुल चिंता ना करो। ठीक है, और खत्म होने की चिंता ना करना, सीखने की चिंता करना। सीखने की अगर कोशिश करोगे तो बहुत आगे जाओगे और खत्म के चक्कर में लगे रहोगे तो परेशान रहोगे हमेशा। ठीक है, और सेशन को सब लोग लाइक ठोकते हुए चलेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से और कमेंट बॉक्स में तहलका मचाते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट है जो हम लोग को अब शुरू करना है। तो ठीक है सर, शुरू करते हैं हम लोग। और एक बार और इसके अलावा एक बात और हम लोग कर लेते हैं जल्दी से, IS कोड की। ठीक है, IS कोड की जरा बात कर लेते हैं। ये रहा अपना IS कोड। ठीक है, IS कोड है अपना 800, सब लोग डाउनलोड कर लेंगे यार। ये हमारा IS कोड 800 है। ठीक है, तो अगर तुम इसके कंटेंट्स देखना शुरू करो, अगर तुम इसके कंटेंट्स देखो एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग आज थोड़ा सा जनरल, आज हम लोग थोड़ा सा विजुअल वॉक थ्रू लेंगे, थोड़ा सा देखते हैं कि कोड के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। शुरू के इसके 3-4 सेक्शन हम लोग कवर करने वाले हैं आज ही। जनरल की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि किस सिंबल का क्या मतलब है और मेंबर एक्सिस कैसे रहती है, स्टैंडर्ड डायमेंशन, फॉर्म, वेट, ये सब हम लोग थोड़ा सा बताएंगे आज। बाकी मेटेरियल्स की बात करेंगे, स्ट्रक्चर स्टील क्या होता है, रिवेट, बोल्ट, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। मेटेरियल्स मेनली हम लोग स्ट्रक्चर स्टील को फोकस करना है हम लोग को आज। ठीक है, ये कोड है IS 800, जो कोड हम तुमको बता रहे हैं। ये कौन सा कोड बेटा? IS 800:2007। ठीक है, ये सब लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। बाकी फिर हम लोग जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, हम लोग लोड्स की बात करेंगे, लोड कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। ठीक है, स्लेंडनेस रेशियो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, जॉइंट्स वगैरह, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हमारा मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये हम नहीं पढ़ाने वाले तुमको। ठीक है, इसमें कोई जरूरत नहीं है, इसमें मेनली हमारा प्लास्टिक एनालिसिस मेन है। प्लास्टिक एनालिसिस तुमको कवर करना होता है, ये बात हो जाएगी। और फिर हम लोग अपना एलएसएम शुरू करेंगे। और जो आईएस 800 हमारा कोड है वो एलएसएम बेस्ड ही है, तो यहाँ से हमारा मेन शुरू होगा, ठीक है। लेकिन आज हम लोग चौथे सेक्शन तक एक वॉक थ्रू ले लेंगे, हम लोग देख लेंगे कोड में ऐसा क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चैप्टर्स देख लो, कोड ही तुमको सबसे मेन है, कोड ही में सब कुछ लिखा हुआ है। तुम आईएस 800 पूरा पढ़ना है। उसके अलावा इसमें जो भी डिटेल्स हैं जो तुमको यहाँ पे समझ नहीं आ रही है उसकी कमेंट्री और उसको एक्सप्लेनेशन हम तुम्हें अच्छे से देंगे, ठीक है। सब कुछ बढ़िया से नोट्स बनवाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले सब लोग ये कोड डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, या तुम अपना प्रिंट कराना जैसा तुमको सही लगे। तो एलएसएम सर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स, जैसे देखो वहां लिखा था वही सब है। तो एलएसएम जब हम लोग पढ़ेंगे, एलएसएम से पहले हम लोग डब्ल्यूएसएम भी कवर कर लेंगे। हम लोग आज ही डब्ल्यूएसएम शुरू भी कर देंगे। फिर आपका टेंशन मेंबर्स आएगा सर, फिर आप देख सकते हैं कंप्रेशन मेंबर्स आएगा, ठीक है। सब्जेक्टेड टू बेंडिंग ये हमारा बीम आ जाएगी, बीम है। फिर कंबाइंड फोर्सेज हैं, कनेक्शंस शुरू हो जाएंगे हमारे। फिर वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन हमको यहाँ 11वें सेक्शन में दिया गया है, ठीक है। तो ये देखो तुम, ये देखो ये हमारा कोड है पूरा, ठीक है। फैटीग है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को देखनी है, ठीक है। चलो सर शुरू करते हैं हम लोग बढ़िया से। अब रुक जाओ बेटा, बहुत तेज भाग रहा है ये। तो ये तुम अपना कोड देख सकते हो IS 800, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं यार। अब अपना सेक्शन 1 जनरल आ गया है। इसमें फिलहाल कुछ भी ऐसा बहुत खास नहीं है, इसमें कुछ भी बहुत खास नहीं है। हम लोग को सेक्शन 2 से शुरू करना है, फिलहाल सेक्शन 2 से शुरू करना है। 1 तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना है ना, इसमें कुछ भी बहुत खास चीज़ नहीं लिखी है। चलिए सर, इसको शुरू करने से पहले हम लोग बात करते हैं अपने स्टील स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। इसमें सारी बेसिक डेफिनेशंस तुमको पता करना है। यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, विंड लोड क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेस क्या है। तो ये सब तुम्हारा सेक्शन 1 में जनरल चीजें सारी लिखी हुई हैं। हर एक सिंबल का मतलब लिखा है, देखो सारे सिंबल्स ये हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। हर एक सिंबल का मतलब बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कोड में लिखा हुआ है सेक्शन 1 के अंदर। सेक्शन 1 के अंदर देखो सिंबल ही सिंबल चल रहे हैं, ठीक है। ये सारे सिंबल्स देखते रहेंगे हम लोग। देखो कोड का आइडिया होना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस इसके बाहर बन ही नहीं सकते यार, सब कुछ कोड के अंदर ही होता है, ठीक है। हमारा सेक्शन 2 यहाँ पे शुरू हो गया। इससे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल स्टील आखिर होती क्या है और स्टील क्या होती है, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज स्टील, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सर हम लोग शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम जल्दी से आते हैं अपनी क्लास के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग अभी फिलहाल बेसिक स्टील क्या होती है, स्ट्रक्चरल स्टील क्या होती है वो बात कर लेते हैं। तुमको हमने वैसे बताया हुआ था, एक बार थोड़ा सा देखते चलना, ठीक है, सुनते चलो। हाँ सब PDF वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है, सब मिल जाएगा, चिंता ना करो। अब सुनो ध्यान से, स्टील कैसे बनती है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हमें स्टील आखिर क्या है। तुम स्टील पढ़ने जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं स्टील क्या है, तो थोड़ा स्टील समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे धीमे धीमे। तो अब हम बात करते हैं सर स्टील क्या होती है। देखो हमने तुमको उस दिन पढ़ाया था, जब स्टील तुमको पढ़ाई थी हमने तुम्हें ये पढ़ा रखा है। सर स्टील में क्या होता है, हम लोग ओर्स लेके आते हैं या क्या होता है स्क्रैप स्टील, जो कबाड़ वाली स्टील होती है, स्क्रैप स्टील जिसे हम लोग बोलते हैं। बहुत सारा स्क्रैप स्टील निकलता है और क्या है सर बहुत सारे ओर्स होते हैं, जैसे हेमेटाइट होता है, सिंटराइट होता है। तो ये हमारे आयरन ओर्स हैं जिसको हम लोग लेके आते हैं और उसको हम लोग ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डालते हैं, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डालने के बाद क्या होता है सर, इसमें जो वेस्ट इम्प्योरिटीज हैं वो हटा दी जाती हैं और हमारा एक पेस्ट तैयार होता है, मोल्टेन पेस्ट तैयार होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर पिग आयरन। क्या बोलते हैं सर हम लोग इसको, इसको बोलते हैं पिग आयरन, ठीक है, सबको पता रहना चाहिए। पिग आयरन इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। इसके बाद ये हमारा जो भी पिग आयरन निकलता है वो जाता है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में जाता है। और बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में जाने के बाद ये हमारा स्टील में कन्वर्ट होता है। कैसे, क्योंकि हम सर यहाँ पे ऐड करते हैं कार्बन, ठीक है। तो सर देखिए आयरन था, आयरन में सर आपने कुछ कार्बन कंटेंट ऐड किया, ये कार्बन कंटेंट ऐड होने से ही हमारा बन गया क्या है स्टील। सब लोग बहुत समझ लेंगे ध्यान से। अगर तुमसे आज के कोई पूछता है व्हाट इज स्टील, तो तुम सिंपल सा बोलोगे आंसर कि सर आयरन में मैंने कार्बन मिलाया, ठीक है। कार्बन क्यों मिलाते हैं, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, हम लोग एक एक करके अच्छे से देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल स्टील में बहुत जरूरी है कि हमारा कार्बन हो, स्ट्रक्चरल स्टील की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सर, तो उसके बाद हमारा ये जो भी मोल्टन पेस्ट है उसको हम अलग अलग तरीके से कास्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो उसकी रॉड्स बना सकते हैं, हम चाहे तो उसकी शीट्स बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से तुम उसको कास्टिंग कर सकते हो, ठीक है। ब्लूम बनाओ, स्लैब बनाओ, प्लेट मिल्स बनाओ, है ना, अलग अलग टाइप के सेक्शंस बनते रहते हैं। क्योंकि अभी ये गर्म है, अभी ये गर्म है, तुम इसको किसी भी शेप में ढाल सकते हो, तुम इसकी शीट्स बना सकते हो, बहुत सारी चीजें इसकी बन सकती हैं, ठीक है। अभी तुम इसकी जब कास्टिंग कर दोगे, रोलिंग कर दोगे, तो ये जो गर्म हमारा मेटल है, जो पिघला हुआ भी मेटल है, हमारा पेस्ट है जिसमें आयरन कार्बन मिल चुका है, तो आप सर उसको रोल कर सकते हैं। और इस तरह के जो सेक्शंस बनते हैं इसको हम लोग बोलते हैं यार हॉट रोल सेक्शंस। और कई टाइप के सेक्शन बनते हैं, प्लेट बनते हैं, तुम देख सकते हो यहाँ पे, है ना, कई टाइप के सेक्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो बनते हैं हमारे, ठीक है। तो बेसिकली सर हमको समझ में आ गया सर आयरन इंडस्ट्री में कैसे बन रही है। सर हम लोग ओर्स लेके आते हैं या स्क्रैप स्टील पुरानी लेके आते हैं, उसको हम लोग पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद उसको हम लोग बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस के अंदर लेके जाते हैं, वहाँ कार्बन एडिशन करते हैं, स्टील हमारा बनता है। स्टील को फिर हम लोग क्या करते हैं, कास्टिंग करके या रोलिंग करके उसको हम अलग अलग शेप देते हैं, अलग अलग शेप देते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे अभी कौन कौन से शेप हम लोग देते हैं, ठीक है। तो सर हमसे अगर कोई पूछ रहा है, हमसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज स्टील, तो हम सर सिंपल सी बात एक बोलेंगे चिपचाप एकदम कि स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। हमसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज स्टील, तो हम सिंपल सी बात बोलेंगे क्या कि आयरन और कार्बन की बात हो रही है यहाँ पे, बस आयरन और कार्बन है। अब सर बात यह है कार्बन हम लोग कितना परसेंटेज मिलाएंगे, ठीक है कार्बन का परसेंटेज बेटा कुछ नहीं स्किप होगा, चिंता ना करो सर, भरोसा रखो, भरोसा रखो, तुम्हारे एग्जाम के सब क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है एक बार भरोसा कर लो। चलो तो हम क्या बोल रहे हैं, स्टील जो हमारा है वो आयरन और कार्बन से मिलके बना हुआ है, ये बात हमको समझ गई। अब हमको बात समझनी है कार्बन का परसेंटेज कितना होना चाहिए, ठीक है कार्बन का परसेंटेज कितना होना चाहिए। इसको समझाने से पहले हम तुमको बताते हैं कि जो स्टील स्ट्रक्चर है और जो आरसीसी है, देखो बहुत सारे बच्चों ने हमसे आरसीसी पढ़ रखा है, ठीक है बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमसे आरसीसी पढ़ रखा है और वो अब स्टील पढ़ रहे हैं। तो आरसीसी और स्टील में पहले बेसिक फर्क क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे जनरली दो ही टाइप के हमको देखने को मिलते हैं, एक हमारे आरसीसी के होते हैं और एक हमारे स्टील के होते हैं। यस और नो, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो स्टील सर ये हमारी हो गई, ये स्टील हो गई जिसके अंदर आयरन कार्बन है, ठीक है और इसमें देखो तुमको क्या यार, स्टील बहुत कॉमन मटेरियल है जो बहुत सारे मतलब तुम कह सकते हो आज की मॉडर्न दुनिया में इतने सारे इक्विपमेंट्स, टूल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और वॉट नॉट, मतलब शिप्स हो, चाहे मशीन्स हो, चाहे अप्लायंसेस हो, वेपन हो और भी बहुत सारी चीजें जहाँ पे स्टील का यूज होता है, ठीक है स्टील का यूज होता है। फिलहाल हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें मतलब है स्ट्रक्चर से सर, हमें मतलब स्ट्रक्चर से, हमारे स्ट्रक्चर जो स्टील के बनते हैं, ठीक है। तो एक बार जरा बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर स्टील के अंदर, देखिए सर एक बात आपने हमें समझा दी है कि स्ट्रक्चर स्टील के अंदर कार्बन होना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों, ये हम लोग समझेंगे, पहले तुम लोग जरा देख लो स्ट्रक्चर स्टील कुछ इस तरीके की दिखती है और क्या फायदा होता है, देखो क्या फायदा होता है। फायदा ये है सर हम लोग स्ट्रक्चर स्टील का अगर यूज करते हैं तो बहुत लार्ज स्पैन के हम लोग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है कॉलम्स हमारे स्मॉल सेक्शंस के हो सकते हैं, इसका इरेक्शन करना बहुत फास्ट होता है। तुम सोचो यहाँ पे अगर तुम कॉन्क्रीट सेक्शन बनाते कितना टाइम लगता, तो बहुत ही स्पीडी प्रोसेस होता है, इंस्टॉलेशन इसका बहुत आसान हो जाता है, ठीक है इसमें ओपनिंग्स देना बहुत ईजी है। तुम सोचो कॉन्क्रीट की अगर स्लैब बनेगी तो उसमें ओपनिंग देना कितना मुश्किल होता है। इवन तुम ये मान के चलो स्प्लिट एसी भी अगर तुम कॉन्क्रीट सेक्शन लगाओगे तो छत के थ्रू ड्रिल नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे देखो जगह तो निकल जाएगा, है ना। और इसका वेट भी क्या होता है, मतलब कुल मिला के स्टील का फायदा ये है सर, उसका वेट के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वेट जरा सा है स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, एरिया कम लेता है। यही कॉन्क्रीट का बनाते हैं तो एरिया बहुत ज्यादा लेता है सर, एरिया बहुत ज्यादा लेता है, स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं आती जितनी स्टील में आती है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे स्ट्रक्चरल स्टील का, ठीक है। और फटाफट सर क्या होता है, हमको स्ट्रक्चर एकदम बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कंस्ट्रक्शन में क्या क्या फायदे होते हैं, तो देखो पहले से बने बनाए मेंबर आते हैं। कॉन्क्रीट में तो तुमको वहां पे बनाना पड़ेगा, कॉन्क्रीट का मेंबर अगर तुम बनाओगे तो साइट पे बनाते बनाते तुमको पता चला 30 दिन निकल गए, है ना। तुम कॉन्क्रीट मिक्स कर रहे हो, बैचिंग कर रहे हो, प्लेसिंग कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, कॉम्पैक्शन कर रहे हो, इतना टाइम। स्टील सर सब बने बनाए आए, सीधे लगा दीजिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन टाइम बहुत शॉर्ट है, बहुत ही प्रिसाइज मतलब फिटिंग्स आती हैं, मतलब जो हमारे कनेक्शन है वो एकदम एक्यूरेट बनते हैं। कॉन्क्रीट में क्या होता है, डायमेंशनल टॉलरेंस इतनी ज्यादा नहीं रहती है, तुम पता चला तुमने 200 में सोचा तो 220 में का बन गया, लेकिन यहाँ पे 200 का मतलब 200, ये बात है। स्टील मतलब ज्यादा प्रिसाइज साइजेस उसके होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्लैडिंग वगैरह लगाना, क्लैडिंग होती है उसके ऊपर की जो रूफ वगैरह होती है, या उसके ऊपर अगर कोई चीज फिक्स करनी है तो वो बहुत आसान है, ठीक है। और वेदर कंडीशन से, ठीक है, इरेक्शन वेदर कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता स्टील, क्यों सोचो जल्दी फास्टर कंस्ट्रक्शन होगा, तो वेदर अगर खराब भी हो रहा है तो तुम जल्दी से काम करके खत्म कर सकते हो, सिंपल सी बात है। और जगह बहुत कम लेता है, ठीक है, ड्राई कंस्ट्रक्शन है। और कॉन्क्रीट में क्या होता है, वेट कंस्ट्रक्शन होता है, ये सब बात तुमको पता नहीं चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इंटरनल सपोर्ट्स की जरूरत कम है और लाइफ बहुत बढ़ जाती है, इसको खोलना भी बहुत आसान है, डिमोलिशन डिसमेंटलिंग भी बहुत ईजी है। ये हमारे फायदे होते हैं किसके, स्ट्रक्चरल स्टील के। अब बात करते हैं जरा हम लोग कास्ट स्टील और नॉर्मल हमारी जो स्टील है उसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये सब अगर नहीं पता होगा तो स्ट्रक्चरल स्टील का कोई मतलब नहीं है, बिना इसके हम आगे बढ़ नहीं सकते। हमको पता है, हमने इस स्टील तुमको पढ़ा रखा है, एक बार देखना पड़ेगा, इसलिए हम क्विक रिकैप कर रहे हैं, सुनते चलना बस ध्यान से, है ना। चलो तो अब हम बात करेंगे, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते चलो, ठीक है। तो अब देखिए सर हम लोग यहाँ पे स्टील का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सर हमसे कोई पूछे, कमेंट करो बेटा, सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करो, व्हाट इज स्टील। सर सिंपल सी बात है, स्टील इज व्हाट, आयरन प्लस कार्बन, आयरन प्लस कार्बन, ठीक है, जिसमें कार्बन का परसेंटेज हमारा 2.14% से कम है, कार्बन का परसेंटेज 2.14% से कम है। ये बात हमको समझ में आ गई सर, ये बात हमको समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखिए सर इसके अंदर भी दो तरह की स्टील होती है, एक हमारी होती है नॉन अलॉय स्टील और एक हमारी होती है अलॉय स्टील। सुनते चलना बहुत ध्यान से। तो नॉन अलॉय के अंदर सिर्फ आयरन और कार्बन ही होता है, नॉन अलॉय के अंदर सिर्फ आयरन और कार्बन होता है और कोई अलॉय नहीं होता है और कोई एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यही अगर हम बात करें यहाँ पे अलॉय स्टील की, तो अलॉय स्टील के अंदर हम लोग क्रोमियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, तरह तरह के और भी एलिमेंट्स मिला देते हैं। ठीक है, तो जनरली हमारा नॉन लॉय स्टील का मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, तभी हम लोग उसको बोलते हैं प्लेन कार्बन। कमेंट करते चलेंगे, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन कार्बन। सुनते चलना बहुत ध्यान से, ठीक है सर। अब प्लेन कार्बन में सर क्या है, कार्बन कंटेंट अलग अलग तरीके से अलग से वेरी करता है। ठीक है, देखो एक स्टील होती है, तुमसे पूछ सकते हैं सब, ये सब तुमको आना चाहिए। एक होती है हमारी लो कार्बन स्टील, ठीक है, एक हमारी होती है सर कौन सी, लो कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन कंटेंट हमारा 0.3% से भी कम रहता है और जो शुरुआती कंटेंट होता है वो 0.12 रहता है। तुम इसमें लिख सकते हो कार्बन कंटेंट जो है सर, यहाँ पे कार्बन कंटेंट, यहाँ पे जो लो कार्बन स्टील में है वो हमारा कार्बन कंटेंट 0.12% से लेके 0.3% तक है। ठीक है, देख पा रहे हो तुम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है, विजिबल हो रहा है कि नहीं, है ना। हाँ सर हो रहा है बिल्कुल। इसका एग्जाम्पल क्या है, माइल्ड स्टील। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, माइल्ड स्टील। सुनते चलो बस, ठीक है, ये हमारा कार्बन कंटेंट है और इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें यहाँ पे तो इसका एग्जाम्पल सर हो जाएगा माइल्ड स्टील, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा सर, ठीक है, दूसरा ये हमारा हो गया लो कार्बन स्टील। ठीक है, अब सर दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा हमारा कौन सा है, मीडियम कार्बन स्टील। इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है सर, इसमें जो कार्बन का परसेंटेज हमें देखने को मिल रहा है 0.3% से लेके 0.5 या 0.6% तक, कई जगह 0.5 लिखा है, कई जगह 0.6 लिखा है, तो ये कर दो। इसके एग्जाम्पल क्या है, CTD, कोल्ड ट्विस्टेड बार्स, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार्स। ठीक है, कोल्ड ट्विस्टिंग क्या होती है तुमको आगे बताएंगे हम, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल माइल्ड स्टील हो गया, इसका हमारा कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार्स हो गया। समझ में आ रहा होगा तुम लोग को यार, है ना। और लास्ट में हमारा क्या है, लास्ट में हमारा क्या है भाई, हाई कार्बन स्टील है ना। ये हमारा मीडियम कार्बन स्टील था, ये सर हमारा मीडियम कार्बन स्टील था, और लास्ट में हमारा क्या है यार, हाई कार्बन स्टील है। अब इस हाई कार्बन स्टील का एग्जाम्पल क्या है सर, इसका कंटेंट आपका 0.6 से ज़्यादा रहेगा, 0.6 से कार्बन पर कंटेंट आपका पहुंच जाएगा 1% के आसपास। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा हार्ड स्टील, ये हमारी हो जाएगी हार्ड स्टील। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी सर हार्ड स्टील, ओके। इसको, इसका एग्जाम्पल क्या है, हार्ड स्टील। तो अब देखो यार, एक और है अल्ट्रा हाई कार्बन, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्ट्रा हाई कार्बन सर क्या है, कार्बन कंटेंट 1% से भी ज्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली 2 से तो कम होना ही होना है, क्योंकि देखो एक बात समझ लो पहले, स्टील में और कास्ट स्टील में फर्क, ठीक है, स्टील में और कास्ट स्टील में फर्क समझ लो पहले, तुमको ये पता रहना चाहिए। क्या सर, सर देखिए अगर कार्बन कंटेंट, यहीं पर लिखते हैं हम, यहीं पर लिखते हैं, अगर कार्बन कंटेंट हमारा 2.14 लिखा हुआ है, हम ये मान के चल रहे हैं 2% से अगर कम है तो सर वो स्टील है। और स्टील के अंदर भी आपने 50 तरह की सर कैटेगरी बना दी, लो कार्बन, मीडियम कार्बन, ये सब परसेंटेज पता रहना चाहिए यार, पता रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, यकीन करो, तभी इसको हम तुम्हें लिखवा रहे हैं, तभी तुमको हम बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन सीधे आ सकता है। और सर अगर मान लीजिए यही कार्बन कंटेंट आपका 2 के ऊपर निकल जाए, या हम कह सकते हैं 3 से या 2.5 से, मान लो 4.5 की रेंज में चला जाए, है ना, यही कार्बन कंटेंट आपका 2.5 से 4.5% की रेंज में चला जाए, तो यही आपका कास्ट आयरन बन जाता है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील बन जाता है भाई, है ना। कास्ट आयरन बोल सकते हैं या कास्ट स्टील बोल सकते हैं, मतलब जिसकी कास्टेबिलिटी ज्यादा है, जिसको कास्ट करना आसान है। ठीक है, कास्टिंग करना जिसका आसान होता है, कास्टिंग एक प्रोसेस होती है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, बेसिक प्रोसेस होती है, वो देखते चलना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सब पीडीएफ वीडीएफ सब मिल जाएगा, देखो पीडीएफ की चिंता ना करो, पीडीएफ तुमको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, सबको पता है सर का टेलीग्राम चैनल क्या है, चेतन सर CS10, यहाँ पे तुमको सब मिल जाएगा। ठीक है, चिंता ना करो, यहाँ पे तुमको हम सब दे देंगे, चेतन सर CS10 वाले चैनल पे। ठीक है, बाकी हमारा अलॉय स्टील्स होती हैं, अलॉय स्टील से हमें फिलहाल ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हम इसमें क्रोमियम मिला दें यार, अगर हम इसमें क्रोमियम मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ठीक है, अगर इसमें हम क्रोमियम मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है स्टेनलेस स्टील, सुना होगा तुमने। तो अलॉइंग एलिमेंट्स अगर तुम और मिला दोगे, जैसे तुम सिलिकॉन, मैंगनीज, क्रोमियम, मॉलिबेडनम, वेनेडियम, निकल, और भी कई तरह के एलिमेंट्स हम लोग इसमें मिला सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करने के लिए, तो हमारे एलॉय स्टील बनती हैं। ठीक है, जैसे स्टेनलेस स्टील इसका एग्जांपल है, स्टेनलेस स्टील इसका एग्जांपल है। और एक बात और कि देखिए सर, ये जो माइल्ड स्टील है जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम है, 0.12 से 0.3%, समझते चलना बहुत ध्यान से, ठीक है, लगभग ये काफ़ी कम कंटेंट है सर, ये बहुत कॉमनली यूज है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है सर। आप ये मान के चलिए लगभग 80% स्ट्रक्चर्स जो हैं उसके अंदर माइल्ड स्टील का यूज़ किया गया है। ठीक है, माइल्ड स्टील बहुत ही कॉमनली यूज है ना। चलो तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब सर बात करते हैं हम लोग, जरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील सेक्शन के, लेकिन उससे पहले यार, हम तुमको कुछ बेसिक बात बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान सुनेंगे सब लोग। ठीक है, कुछ बेसिक बात हम बताना चाहते हैं कि सर देखिए, सर हमको पहले जानना है व्हाट इज स्ट्रक्चर, और हमने 2 सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं यार, एक हमने पढ़ रखा है भैया आरसीसी, और दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे स्टील। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे हम लोग अभी। फर्क क्या है जरा बहुत ध्यान समझते हैं, उसके बाद हम लोग अपने अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ठीक है, सुनना आप बहुत ध्यान देंगे, सब लोग बहुत ध्यान देंगे। सर देखिए आरसीसी के अंदर, आरसीसी जिन बच्चों ने पढ़ रखी है, पूरी आरसीसी में क्या था बताओ? पूरी आरसीसी में तुम लोग क्या करते हो, जो भी तुम्हारा लोड वगैरह दिया रहेगा, सबसे पहले तुम अपना जो शेप साइज है वो मानोगे, जैसे कॉलम है, बीम है, स्लैब है, कुछ भी है, तुम पहले साइज मानते हो ना। हाँ सर बिल्कुल याद तो आ रहा है सर हम लोग को। सर देखिए आरसीसी के अंदर, पूरी आरसीसी में सर हम लोग दो काम करते हैं। पहले क्या, पहले तो अपना सेक्शन चूज करो, ठीक है, सेक्शन साइज अज्यूम करते हैं, सेक्शन साइज अज्यूम करते हैं, स्टेप वन होता है ये, जनरली सब जगह ऐसा ही होता है। और दूसरे स्टेप में हम एरिया ऑफ सील फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सील फाइंड करते हैं। बताओ अगर तुमने आरसीसी मेंबर्स डिजाइन किए हो तो इसके अलावा और कुछ किया है तुमने आज तक? बता दो, जिन लोगों ने आरसीसी हमसे पढ़ भी रहे हैं उनको पता है यही दो काम होते हैं, एक तो हमारा सेक्शन साइज अज्यूम करते हैं, दूसरा हमारा एरिया ऑफ सील फाइंड करते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। ठीक है, यही हमारी पूरी आरसीसी है। अब ये बताओ स्टील में क्या फर्क आएगा, स्टील में क्या फर्क आएगा? देखो मेंबर्स हमारे जनरली जो है दो ही हैं, अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं सर, स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो हमको जनरली दो ही मेंबर्स देखने को मिलते हैं, एक तो आरसीसी के और दूसरे कौन से बेटा हमारे स्टील के। ठीक है, लेकिन इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है, इसको तो आपने बता दिया। आरसीसी में बताओ सेक्शन का जो साइज है हमारे ऊपर, हम चाहे 300 लें, 350 लें, 400, 450, 500 कुछ भी ले लें, उससे फर्क नहीं पड़ता, समझो बात को। लेकिन अगर हम बात करें स्टील स्ट्रक्चर्स की, अगर हम बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स की, तो सर देखिए इसमें क्या है, इसमें हमको लोड दिया रहता है, लेकिन सेक्शन का जो साइज होता है वो हम चेंज नहीं कर सकते अपने मन से। अगर हमको 325 चाहिए तो नहीं बना सकते, हमारे सेक्शन जो है वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, अलग अलग शेप के सेक्शंस ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जैसे तुम कुछ देख सकते हो, यहाँ पे हम तुम्हारे कुछ लेके आए हैं, है ना, जैसे फ्लैट बार है, एंगल है, राउंड है, हेक्सागन है, आई शेप है ना, ये फ्लैंज बीम हमारी होती है। अभी तुमको हम अलग अलग टाइप के सेक्शंस बताएंगे, तुम चिंता ना करो। लेकिन एक बात सर है कि तुम ये बताओ हमारे स्टील के अंदर जो सेक्शंस हैं वो पहले से बने बनाए आते हैं, वो पहले से बने बनाए आते हैं। ऐसा नहीं कि कॉन्क्रीट इतनी जरूरत है तो 300 कास्ट कर दिया, इतनी जरूरत है तो हमने कास्टिंग करी, कॉन्क्रीटिंग जब करते हैं हम 300, 350, 325 जो मन चाहे बना दें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। तुम याद करो हम लोग जब इफेक्टिव डेप्थ अज्यूम करते हैं, बी को अज्यूम करते हैं, तो तुमने चाहा तो 325 ले लिया, तुमने चाहा तो 330 ले लिया, कुछ भी साइज दे सकते थे हम लोग अपने मन से। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अपने हिसाब से एरिया ऑफ सील निकाल देते थे, यस और नो। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे सर हमारे इसके अंदर क्या होता है, स्टील के अंदर हमको लोड गिवन रहता है। लोड तो देखो दोनों में गिवन रहेगा, है ना, सीधी सी बात समझो, लोड तो सर दोनों में ही गिवन है। लेकिन स्टील के अंदर सर क्या है, आपके बहुत सारे सेक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे कुछ हमारे आई सेक्शंस होंगे, कुछ चैनल सेक्शन होंगे, कुछ एल सेक्शंस होंगे, तो डिपेंडिंग ऑन द नीड अलग अलग हिसाब से हम लोग देखेंगे आगे। हम लोग को क्या करना है, एक सूटेबल सेक्शन चूज करना है। ठीक है, वी हैव टू चूज अ सूटेबल सेक्शन, पहले इस चीज को दिमाग में बैठाओ, यही है सबसे बड़ी चीज, वी हैव टू चूज अ सूटेबल सेक्शन। ठीक है, जो ये सेक्शन ऐसा होना चाहिए सर, ये सेक्शन ऐसा होना चाहिए जो हमारे इस लोड को झेल सके, जो हमारे इस लोड को रेस कर सके बढ़िया से, बिना किसी फेलियर के, समझो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हाँ एक फर्क कि यहाँ पे सेक्शन साइज हम लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, उसका इतना कोई फिक्सर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे सेक्शन एंगल हो गए, फ्लैंज हो गए, ये सब ऑलरेडी मार्केट में प्री फैब्रिकेटेड आते हैं, बने बनाए आते हैं। हमको अलग अलग सेक्शन लेके आना पड़ेगा, ट्रायल लेना पड़ेगा कि ये सेक्शन लोड को झेल पा रहा है, नहीं तो चलो दूसरा सेक्शन लाते हैं, ये झेल पा रहा है, नहीं इसको हटाओ, मार्केट से दूसरा लेके आएंगे, क्या ये झेल पा रहा है, चलो ये सही है, तो हमने इस सेक्शन को प्रोवाइड कर दिया। ये फर्क है, ठीक है, ये फर्क है, तो समझ सकते हो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाँ कार्बन ज्यादा होगा कम होगा हम सब बता रहे हैं, सुनते चलो, पहले सुनते चलो, सब बताया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। तो अब तुमसे पूछेंगे सर व्हाट इज स्ट्रक्चर, तुमसे यहाँ पूछ सकता है व्हाट इज स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर सर क्या होता है हमारा, देखिए देखो स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब ये, एक ऐसा, देखो तुमने अगर स्ट्रक्चर देखे हो तो उसके अंदर क्या होता है सर, मेंबर्स होते हैं। तुमको जब हमने आरसीसी पढ़ाना शुरू किया था तो उसमें तुमको क्या बताया था, बीम्स होती हैं, स्लैब होती हैं, कॉलम है, फुटिंग है, काफी टाइप के मेंबर्स होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, देखो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल बात है, इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स, इट इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स, इट इज जस्ट कॉम्बिनेशंस नहीं कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर। अब मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं सर हमारे, मेंबर कौन कौन से होते हैं सर हमको पता है, मेंबर कौन कौन से होते हैं ये सब हम जानते हैं। ठीक है, मेंबर की अगर आप बात करें यहाँ पे हमको 50 तरह के मेंबर पता है, बीम्स हो गए, ठीक है, बीम्स हैं, बीम को हम लोग कॉलम से जोड़ते हैं, है ना, बीम है, कॉलम है, नीचे फुटिंग है, तो स्टेयर्स हैं, कई सारी चीजें बनती हैं, बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब, मतलब कितने ही मेंबर हम यहाँ लिख दें। अब तुम समझो यार, अगर हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब सबको जोड़ते हैं और फिर हमारा मेंबर बनता है, फिर हमारे मेंबर्स जुड़ के बनता है एक स्ट्रक्चर। तो कनेक्शन हम लोग पढ़ेंगे आगे, कैसे ये बीम कॉलम आखिर जुड़ते हैं, है ना, हम लोग आगे समझेंगे, रिवेट के थ्रू, बोल्ट के थ्रू, वेल्ड के थ्रू, वो सब समझेंगे आगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर है, डिजाइंड फॉर बता दो, डिजाइंड फॉर व्हाट, डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, डिजाइंड फॉर गिवन पर्पस या स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, अब सर पर्पस क्या हो सकता है यार, पर्पस कुछ भी हो सकता है। अगर तुम ब्रिज बना रहे हो तो उस ब्रिज का पर्पस क्या होगा कि हम लोग उस ब्रिज के थ्रू नदी को पार कर सकें। अगर तुम घर बना रहे हो तो घर का मेन पर्पस क्या है, तुम उसमें आराम से रह सको और तुम्हारे जो लोड उस पर आ रहे हैं वो हमारा लोड स्ट्रक्चर बेयर कर सके बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो बेसिक सी बात है सर, ये हमको समझ में आ रहा है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं हो रही है। और एक बात और सुनो, स्ट्रक्चर सर एक ऐसी चीज है जिसमें जब आप मेंबर को कंबाइन करेंगे, जब आप मेंबर्स को, यहाँ इस वर्ड को मेंबर को समझी गए हो, है ना, जब आप मेंबर्स को कंबाइन करेंगे सर, तो ऐसा है कि मेंबर को जो आप कंबाइन कर रहे हैं तो बहुत ध्यान देना है कि हमारा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में रहे। स्ट्रक्चर हमारा इस, देखो ऐसा नहीं है हमने पता लगा एक कार बना दी, ठीक है, कार बना दी और उन्होंने बोला ये स्ट्रक्चर है, नहीं, कार तो चल सकती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, स्ट्रक्चर अपनी जगह से नहीं हिलता है। स्ट्रक्चर पे आप कितना ही फोर्स लगाइए, कुछ भी करिए, वो अपनी जगह पे एकदम बना रहता है, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर, दैट ऑलवेज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो यहाँ पे ये बात तो आप सर बिल्कुल बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर इज समथिंग विच इज इन इक्विलिब्रियम, ये तो बहुत बेसिक सी बात है यार, है ना, सबको पता रहना चाहिए। अब इक्विलिब्रियम हमको पता ही है यार, हमारा सब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस का नेट सम जीरो होना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए, है ना, पढ़ा को लिख देते हैं थोड़ा सा, 3D में वैसे होता है, तीनों ही डायरेक्शन के फोर्सेस का सम और मोमेंट्स का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ताकि हमारा स्ट्रक्चर नेट में डिस्प्लेसमेंट ना करे, ना ही रोटेट करे। पता लगा स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है, झूला नहीं है, वो झूला नहीं है, पहले ये बात समझ लो। ठीक है, चलिए बात हम लोग समझ गए, बिल्कुल ये समझ में आ रहा है हम लोग को। ठीक है, अब अगर हम अलग अलग टाइप के सेक्शन थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा हमको विजुअल वॉक थ्रू दीजिए सर, तो यहाँ तुम देखना शुरू करो, ध्यान से देखते चलना। अच्छा देखो एक बात हम लोग को बताते हैं, डाउट बहुत आएंगे, अभी 4 दिन तक कोई डाउट मत पूछो यार, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, 4 दिन तक कोई डाउट मत पूछो, यकीन करो, यकीन कर लो, बस एक बार सर का यकीन करो, थोड़ा सा पढ़ के देखो। ठीक है, तुमको अपने आप धीमे धीमे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट आता भी है तो उसका आंसर पहले से हाँ समझ लिया करो। ठीक है, ये एकदम सबसे बढ़िया है, क्योंकि देखो कमेंट बहुत सारे आएंगे तो पता चलेगा नहीं किसका आंसर कैसे देंगे, है ना। सिंपल सी बात है, 4-5 दिन अभी रुको, कोई डाउट मत पूछो, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो उसका आंसर हाँ समझ लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे बच्चा पूछ रहा है कैन आई स्कोर फुल मार्क्स, तो हाँ, ठीक है, तुम बोल रहे हो कि पीडीएफ मिलेगा, हाँ, तुम क्या कह रहे हो, ठीक है, एए का सिलेबस भी कंसिडर करो, तो आंसर क्या है, हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है, इसलिए सबका आंसर पहले हाँ मान लो और सुनते चलो, कहानी सुनो, इसमें अगर कुछ समझ नहीं आता तो यहाँ से फिर भी डाउट पूछो, लेकिन जनरल सबका हाँ आंसर चलेगा। ठीक है, चलिए, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो देखो जरा यहाँ पे सेक्शंस कुछ देखना शुरू करते हैं, बढ़िया सेक्शंस हमको अब दिख रहे हैं, ये विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पे, अब थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा अच्छे से, है ना, आ जाओ इधर आ जाओ। ठीक है, अब दिख रहा होगा। क्लास टाइमिंग बेटा 4 to 5 PM रहेगी, शाम को क्लास टाइमिंग 4 to 5 PM रहेगी। तो देखो अलग अलग टाइप के सेक्शंस हमको देखने पड़ेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे कंप्रेशन मेंबर्स में जब लेसिंग डिजाइन करेंगे। ठीक है, ये फ्लैट है हमारा, ये रुक जाओ, इसको पहले लिखना वाला, ठीक है, तो ये हमारा फ्लैट है, देख पा रहे होगे, फ्लैट बार होती है, ये हमारी लेसिंग मेंबर्स में यूज होती है, सब स्टील के हैं। अब ये सब हमारे जो इंडस्ट्री बने हॉट रोलिंग की गई है, गरम गरम वो मॉल्टन पेस्ट निकला था, आयरन कार्बन का बताया था, उसको हमने क्या करा, उसको हमने पेस्ट के फॉर्म में क्या नाम किया, रोल कर दिया, तो हमारी ये बार्स बन गई, है ना, ठंडी होने के बाद, ठंडी होकर वो हार्ड हो जाती हैं, जब वो पिघली रहेंगी तो सॉफ्ट रहेंगी, और जैसे ही वो हमारी हॉट स्टील जो थी वो जैसे ठंडी होगी हार्ड हो जाएगी, और इस तरह के सेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो ये अलग अलग टाइप के हॉट रोल सेक्शन है जो हमारे बनते हैं। ठीक है, ये फ्लैट बार हो गया, ये एंगल सेक्शन होता है, देखा होगा सबने यार, एंगल सेक्शन जरूर देखा होगा। फिर ये हमारा राउंड होता है, ये राउंड है, ये हेक्सागन है, ये शीट है, प्लेट है, है ना, शीट्स भी काफी यूज की जाती हैं। फिर सर ये हमारा क्या है, चैनल सेक्शन, चैनल का मतलब होता है सी, चैनल का मतलब यहाँ पे क्या है, सी है। ठीक है, ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है फिलहाल, ये सी सेक्शन होता है हमारा, इस तरीके का होता है। ठीक है, इनमें भी स्लोप दी जाती है, ये हमारा जो है ज्यादा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, सी सेक्शन इस तरीके का होता है, ये हमारा सी सेक्शन हो गया। ठीक है, सी सेक्शन हो गया। फिर ये हमारा बीम सेक्शन है, फ्लैंज बीम, जनरली हमारी बीम जो है आई सेक्शन बनाते हैं हम लोग, क्यों आई सेक्शन बनाते हैं इसका भी हम तुमको कारण बताएंगे सब। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड बीम है। अब देखो इसमें बी में भी क्या होता है यार, बी में भी अलग अलग तरीके की बीम्स आती हैं यार, अलग अलग तरीके की बीम आती है। जैसे तुमने शायद सुन रखा हो, ऐसे सुन रखा होगा आई एस एल बी। देखो पहले आई एस का मतलब क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड, पहले तो ये समझ में आ गया इंडियन स्टैंडर्ड। एल बी का मतलब क्या होता है, एल बी का मतलब क्या होता है, लाइट बीम, ठीक है, एल बी का मतलब क्या होता है, लाइट बीम। अब देखो यार ऑब्वियसली बात है, एल बी है, लाइट बीम है, अच्छा ऐसे और क्या होता है, आई एस एम बी होता है, ठीक है। हम तुमको बीम आया तो हम तुमको बीम क्या बता रहे हैं, कॉलम आएगा तो कॉलम क्या बताएंगे, अलग अलग सेक्शंस का अलग अलग हिसाब किताब है। तो इंडियन स्टैंडर्ड ये मीडियम बीम है ना, मीडियम वेट बीम है, ठीक है। ऐसे फिर आता है आईएसएमबी के बाद आता है आईएसडब्ल्यूबी, ठीक है, आईएसएचबी आता है, ये होती है हैवी बीम। अब देखो यार ऐसा है कि अलग अलग बीम हम लोग अलग अलग यूज में लाते हैं। अब जैसे लाइट बीम है यार, तुम सोचो जो हमारी इंडस्ट्रियल रूफ्स होती हैं तो ऊपर जो इंडस्ट्री देखो उसके ऊपर तो सिर्फ क्लैडिंग रखनी होती है, जो प्लास्टिक होती है बस वही रखी होती है। तो लाइट बीम हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं बताओ सर, लाइट बीम को हम लोग ऊपर यूज कर सकते हैं छत में, जहां पे लोड वगैरह ज्यादा ना हो, एज ए इंडस्ट्रियल रूफ, ठीक है। अच्छा मीडियम बीम कहाँ यूज कर सकते हैं, बेसिक, जैसे मान लो अगर तुम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो और उसमें हम लोग को नॉर्मल लोड आ रहा है, लोड कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम लोग अपना मीडियम बीम का यूज कर सकते हैं। और जहां पे जैसे मान लो तुम्हारे पुल वुल बने हुए हैं, तो पुल के नीचे अगर तुमको सेक्शन यूज करने हैं तो तुम क्या करोगे, वाइड बीम, हैवी बीम यूज करोगे, ठीक है, हैवी बीम यूज करेंगे हम लोग। तो मतलब अलग अलग टाइप की बीम्स होती हैं, अलग अलग, ये सब हम लोग आगे देख लेंगे, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे जो जो आएगा वो हमको पता चलेंगे, ठीक है। फिर हमारे सी सेक्शन हैं, एंगल सेक्शन है, आई सेक्शन हो गया, ये हमारा ये ट्यूब हो गई सर, ये ट्यूब है, ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर है ना, ट्यूबिंग तुम देख सकते हो, ये हमारी राउंड ट्यूब है सर, ये राउंड ट्यूब है। टी बार आता है, हाफ राउंड आता है, हाफ राउंड है, हाफ ओवल है, और ये चेम्फर्ड बार है, और हमारा ये री बार। तो मतलब अलग अलग टाइप के सेक्शंस आते हैं जिनको हम जोड़ जोड़ के बहुत सारा काम कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लोड बहुत कुछ। हाँ बेटा ये इसी के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये हाँ वाले बहुत आते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी समझ नहीं पा रहे बच्चे, आधे बच्चे आते रहते हैं तो समझते नहीं है, है ना। चलो कोई नहीं कोई नहीं, मजाक चलता रहता है, ठीक है। तो ये सारे सेक्शंस हमने बढ़िया से देख लिए, ये सारे हमारे डिफरेंट टाइप के सेक्शंस होते हैं सर, है ना, ये हमको समझ में आ गए। अब थोड़ा सा जरा बात करते हैं सर, आप हमको क्या नाम है, ठीक है, हाँ, कोर्स ड्यूरेशन 2 मंथ्स होगा कम से कम, मिनिमम 2 मंथ्स, मैक्सिमम तुम 3 मंथ्स मान लो, ठीक है, 1 मंथ का बफर लेके चलना चाहिए क्योंकि कोई भरोसा है नहीं, ठीक है। तो चिंता ना करो, वैसे 2 महीने में हम कोशिश करें खत्म करें जितना जल्दी हो पाएगा, ठीक है। तो वैसे देखो हमारा स्टील जनरली जो है 60-70 घंटे का होता है, जिससे तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, ईएससी के सारे क्वेश्चन, गेट के, एसएससी के सब क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक है। तो 60-70 घंटे का मतलब वैसे 2 ही महीना हुआ, तो फिर भी तुम मान लो 30 दिन के हिसाब से, तब भी तुम मान लो 3 महीना, ठीक है, मैक्सिमम। तो चलिए सर अब हम बिहेवियर ऑफ स्टील हम समझते हैं अंडर टेंसाइल लोड, ये हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। और इसके पहले हम थोड़ा सा कार्बन कंटेंट का हिसाब किताब समझ लेते हैं, एक बार जरा बात कर लेते हैं हम लोग। इससे पहले जस्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारी जो स्टील है सर उसके अंदर जो कार्बन कंटेंट्स आपने बताए हमको डिफरेंट टाइप्स, है ना, ये हमने पढ़ा था। थोड़ा सा जरा बात कर लेते हैं स्टील के अंदर जनरली हम लोग क्या देखने को मिलता है, ये तुम लोग पढ़ सकते हो यार, सब कोड में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो स्टील के अंदर कई सारी चीजें हैं, कार्बन है, ठीक है, थोड़ा सा सिलिकॉन होता है, थोड़ा फॉस्फोरस होता है, इसके अलावा जो आयरन है, आयरन तो ऑब्वियसली मेन कंटेंट है, उसके अलावा कार्बन है, ठीक है, समझ पा रहे होगे। तो जरा बात करते हैं सर कार्बन से फर्क क्या पड़ता है, बात करते हैं यहाँ पे कार्बन से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, कार्बन से क्या फर्क पड़ेगा थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको अभी अलग अलग टाइप की स्टील पढ़नी है। तो देखो यार कार्बन के अंदर आने से सबको पता है हार्डनेस, स्ट्रेंथ, FU, FY ये सब चीजें बढ़ जाती हैं, शायद तुमको पता हो, नहीं पता तो हम तुमको बता रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कह सकते हो ये मेन एलिमेंट है जो हमारे आयरन के साथ जुड़ के अपनी स्टील की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को ड्रास्टिकली चेंज करता है, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं, लिखना शुरू करते हैं, It is the main element which affect. It is the sir main element which affects what? It is the main element which affects mechanical properties of steel. अब सर ये mechanical properties of steel क्या हुआ? ये mechanical properties सर कौन सी, आप किसकी बात कर रहे हैं ये नहीं समझ में आया हमको, यही अब तुमको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। तो एक एक करके हम तुम्हें सारी यहाँ 1 by 1 लिख दे रहे हैं जो तुमको याद रखनी है, ठीक है। सर देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं हार्डनेस की, ठीक है, समझना बहुत ध्यान समझो यार। सर देखिए हार्डनेस बढ़ेगी, हार्डनेस थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें स्ट्रेंथ में, देखो यार अभी तुम जब स्टील आगे बढ़ोगे तो तुमको 2 स्ट्रेंथ पढ़नी पड़ेंगी, अब लोग अभी स्ट्रेस स्ट्रेन कर भी देखेंगे तो तुम 2 स्ट्रेंथ पढ़ोगे, एक होती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ और एक होती है हमारी यील्ड स्ट्रेंथ। दोनों ही पढ़ती हैं, दोनों ही हमारे ऊपर जाते हैं, ठीक है, दोनों ही हमारे यहाँ पे ऊपर जाएंगे, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो या यील्ड स्ट्रेंथ हो, दोनों ही बढ़ेंगे। एफ यू एफ आई से डिनोट करते हैं, इतना तो पता होगा यार, इतना तो पता होगा तुम लोग को, ठीक है। अच्छा हाँ आ गया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ देखो सही बात है, लाइक वाइक करते चलेंगे सब लोग, बिल्कुल लाइक करते, सर बहुत मन लगा पढ़ाएंगे तुम लोग को, ठीक है, चलो सही है, बिल्कुल सही बात है, हाँ और बिल्कुल सही, वेरी गुड। अच्छा ठीक है सर, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन एक प्रॉब्लम और आती है सर, ब्रिटलनेस बढ़ती है, ब्रिटलनेस जो है हमारी बढ़ती है यहाँ पे, ठीक है, ब्रिटलनेस बढ़ेगी और हम एक तरह से कह सकते हैं सॉफ्टनेस कम होगी, एक तरह से हम कह सकते हैं सॉफ्टनेस या डक्टिलिटी क्या होगी हमारी, सॉफ्टनेस क्या कह सकते हो, डक्टिलिटी हमारी क्या होगी, डक्टिलिटी हमारी क्या होगी यहाँ पे कम होगी, ठीक है। और जो एरिया अंडर द स्ट्रेस चेन कर्व है, अभी हम तुमको एरिया पढ़ाएंगे, वैसे आगे हमको पता है, अभी तुमको शायद ना पता हो, उसको हमको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो ये जो हमारा स्ट्रेस चेन कर्व बनता है, जैसे मान लीजिए ये कर्व है माइल्ड स्टील का स्ट्रेस चेन कर्व, तो ये जो एरिया है सर, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया कम हो जाएगा अगर आप कार्बन परसेंट बढ़ाएंगे, ठीक है, कार्बन बढ़ाएंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनने लगेगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारा बनने लगेगा, और आप देख सकते हैं कि जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो सारी ऊपर चली गई, लेकिन एरिया अंडर द कर्व कम हो गया। और एरिया अंडर द कर्व को हम लोग बोलते हैं बेटा टफनेस, क्या बोलते हैं, टफनेस। टफनेस का मतलब होता है कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है बिफोर फेलियर, है ना, कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है बिफोर फेलियर, कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है बिफोर फेलियर, वो भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। या हम कह सकते हैं एरिया अंडर स्ट्रेस चेन कर्व कम हो रहा है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिक्रीज होता है, ठीक है। अब देखो एक बात समझो यार, ये ब्रिटलनेस से होगा क्या, अब देखो ब्रिटलनेस हमारी जब बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, सब कुछ ऊपर जा रहा है ग्राफ, है ना, तो स्टील थोड़ी सी हार्ड हो रही है सर। देखो स्ट्रक्चरल स्टील जो है वो हमारी ऐसी ही होनी चाहिए, तुम ये बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी स्टील ऐसी हो कि वो उसको मोड़े तो मुड़ती चली जाए, यार स्ट्रक्चर है कि झूला है, हमको ये बताओ पहले, थोड़ी सी हार्डनेस चाहिए कि नहीं। सर देखिए तभी तो हम बात कर रहे हैं, अगर हमको बात करनी यहाँ पे एज ए स्ट्रक्चरल स्टील की, तो बहुत जरूरी है कि हमारे स्ट्रक्चरल स्टील थोड़ा सा हार्ड रहे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ लिख देते हैं हम साइड में कि जो हमारी स्ट्रक्चरल स्टील है जिसको आप एज ए स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं, दैट इज हार्ड, ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टील शुड बी हार्ड, वो बहुत सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, अगर वो बहुत सॉफ्ट होगी तो उसमें डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा और वो मुड़ जाएगा, ठीक है, वो स्ट्रक्चर वैसा रिजिड नहीं मिलेगा आपको, वो वैसा एकदम रिजिड और थोड़ा सा हार्ड नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। तो स्ट्रक्चरल स्टील शुड बी हार्ड, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कार्बन को ऐड करते हैं, ठीक है, कार्बन को ऐड करते हैं, जिससे हमको, जिससे क्या होता है सर, उसकी सॉफ्टनेस हम लोग घटा सकते हैं, उसकी सॉफ्टनेस हम लोग घटा सकते हैं, ठीक है, ये बात सब लोग समझते चलेंगे, ठीक है, सुनते चलना, हाँ बिल्कुल। तो एक तरह से हार्डनेस बढ़ती है और टफनेस घटती है और सॉफ्टनेस घटती है, ब्रिटलनेस उसकी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ये सब तुमको पता रहना चाहिए, ठीक है। और तुम कह सकते हो इसकी वर्केबिलिटी बढ़ती है यार, तुम इसमें फिर आराम से इसके साथ काम कर सकते हो, चलो वो ठीक है। अब बात कर लेते हैं जरा, हाँ ये जो ब्रिटलनेस बढ़ती है इससे हमारी वेल्डेबिलिटी बहुत फर्क पड़ता है, अभी वेल्डिंग क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वेल्डेबिलिटी थोड़ी सी घटती है यार, इससे क्या होता है, वेल्डेबिलिटी थोड़ी सी घटती है। तुमसे सिंपल सा अगर पूछा जाए, ठीक है, तुमसे अगर पूछा जाए कि ब्रिटलनेस से क्या हो रहा है, ये कार्बन कंटेंट बढ़ाने से हमारा, ठीक है, वेल्डेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हम बोलेंगे इट इज हैविंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन, इट इज हैविंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन। देखो हम ये सारे पॉइंट्स क्यों लिखा रहे हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम पूछे गए हैं, तो हमने जो अपने नोट्स बना रखे हैं वो कहीं ना कहीं सब जगह से ढूंढ ढूंढ के रखे हैं, अगर तुम ये सब लिखते चल रहे हो कोई भी क्वेश्चन मार्क छूटेगा नहीं, है ना, तुमको सब पता चल जाएगा बढ़िया से, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे आराम से हो जाएंगे यार, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं एक भी पॉइंट ना छूटे, इसलिए हम लोग बता रहे हैं। मतलब कुल मिला के सर बात यह है, कुल मिला के सर आप जो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, कुल मिला के आप यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि कार्बन कंटेंट अगर बढ़ेगा तो वेल्डेबिलिटी आसान नहीं है, आप उसको आराम से वेल्ड नहीं कर पाएंगे। वेल्ड होता क्या है तुमको हम बाद में बताएंगे, तब इसको वापस से उठाएंगे, है ना, तब इसको वापस से उठाएंगे, तब तुमको पता रहना चाहिए, ठीक है। और भी देखो मैनुफैक्चरिंग के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग को पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन कंटेंट का हिसाब किताब। अब बात कर लेते हैं कार्बन के अलावा और क्या होता है सर, कार्बन के अलावा और क्या होता है, हमारा होता है सिलिकॉन, कार्बन के अलावा और हमारा कौन है, सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन रहता है, कार्बन में सब कुछ हो गया ना। अच्छा एक चीज़ और नोट डाल के लिख देते हैं यहाँ पे कि सॉफ्ट स्टील, एक चीज़ और लिख देते हैं यहाँ पे, तुमको समझ में आना चाहिए, सॉफ्ट स्टील इज नॉट फिट फॉर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये तो पता रहना चाहिए, तभी हमने यहाँ पे कार्बन को ऐड किया है। अच्छा एक बात और, हाँ एक बात और, कार्बन का परसेंटेज कितना वेरी करेगा जरा कमेंट कर बता दो यार, कार्बन कंटेंट हमारी स्टील के अंदर सर आप कोई स्टील उठा लीजिए, कोई स्टील जो हमारी स्ट्रक्चर में यूज हो रही है, जनरली आपको जो कार्बन कंटेंट मिलेगा, ठीक है, वो आपको लेस देन 1% मिलेगा, है ना। यहाँ कंटेंट लिख देते हैं हम लोग, कार्बन कंटेंट जनरली हमारी स्ट्रक्चर स्टील के अंदर आपको लेस देन 1% देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब बहुत कम रहता है। और माइल्ड स्टील में आपका कितना, अच्छा माइल्ड स्टील की थोड़ी सी बात अगर हम लोग करें तो 0.23% होता है, एग्जैक्ट याद रखना, ठीक है, अभी आगे हम बात करेंगे उसकी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम लोग पूरा ध्यान लाइक में लगा हुआ है, पूरा ध्यान लाइक में लगा हुआ है, पढ़ लो जरा, हाँ लाइक भी करते चलो, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं जरा सिलिकॉन कंटेंट की। अब बात करते हैं, कार्बन हो गया हमारा, स्टील में सर हमारा और सिलिकॉन भी है, सिलिकॉन भी है सर यहाँ पे, ठीक है, सिलिकॉन कंटेंट भी है, बहुत कम होता है, लेस देन 0.2%। सिलिकॉन कंटेंट जो हमारा है ये लेस देन 0.2% है, समझ पा रहे होगे तुम लोग, ठीक है। सिलिकॉन कंटेंट 0.2% से कम है और इससे ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिलिकॉन ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी से कम नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा देखो, इसका सिलिकॉन कंटेंट जनरली हमारा 0.2% से कम रहेगा, तो ठीक है, अच्छी बात है, हम लिखेंगे इसको, बल्कि देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे तीन रेंजेस हैं, यहाँ पे देखो तीन रेंजेस हैं। अगर सर ये आपका जो एसआई कंटेंट है, अगर ये लेस देन 0.2% है, हम बोलेंगे एक्सेप्टेबल है, नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। अरे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या, तुम्हारी डक्टिलिटी, टफनेस, ये सब, नो चेंज इन फिजिकल। देखो ऐसा है, डक्टिलिटी क्या होती है, टफनेस क्या होती है, रेजिलियंस क्या होती है, तभी हम बोल रहे हैं ये सब चीज़ तुमको सो में जाननी पड़ेंगी, ठीक है। ये सब अगर तुमको बेसिक मैकेनिकल प्रॉपर्टी समझनी क्या होती है तो ये सब सोम का पार्ट है, वो तुम पढ़ लेना, वो तुम अपना पढ़ लेना अपने हिसाब से, ठीक है। चलो देखते हैं आगे हम लोग, तो नो चेंज इन क्या बताते हैं, हाँ सिलिकॉन हमारा लेस देन 0.2%, नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। यही अगर सिलिकॉन कंटेंट हमारा सर, यही अगर हमारा सिलिकॉन कंटेंट पॉइंट नंबर 1 था, यही अगर सिलिकॉन कंटेंट थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है, यही अगर सिलिकॉन कंटेंट थोड़ा बढ़ जाए तो हमारी स्ट्रेंथ वगैरह में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसी सिलिकॉन कंटेंट को अगर आप 0.3 से 0.4% तक पहुंचा देंगे, 0.3 से 0.4% पहुंचाएंगे तो आपकी इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी विदाउट चेंज इन डक्टिलिटी, विदाउट चेंज इन डक्टिलिटी। देखो ये सब कुछ पॉइंट्स है, इसको याद कर लो, ठीक है, हम मिस नहीं करना चाह रहे हैं, इसे तुमको बता रहे हैं हम। और लास्ट पॉइंट हमारा है, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है यार, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि अगर यही सिलिकॉन कंटेंट 2% से ऊपर निकल गया तो ब्रिटलनेस बहुत बढ़ जाएगी यार। यही सिलिकॉन कंटेंट अगर 2% के ऊपर निकल गया तो ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी, यही सिलिकॉन कंटेंट अगर 2% के ऊपर गया तो ब्रिटलनेस अच्छी खासी बढ़ेगी, ठीक है। मतलब सिलिकॉन हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप सर 0.4% से कम के रेंज में रखिए, ठीक है, 0.4% से कम रखिए, इतना सिलिकॉन कंटेंट हमारा एक्सेप्टेबल है। कार्बन, सिलिकॉन और फिर क्या होता है हमारा, फॉस्फोरस होता है, थोड़ा सा फॉस्फोरस होता है, ये सब देखो कोड में है, थोड़ा सा तुमको बता देते हैं। बाकी देखो ज़्यादा डिटेल तुमको जानना है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाओ, ठीक है, सिविल के हिसाब से बस बहुत है ये सब। और फॉस्फोरस कंटेंट सर हमारा जो होता है वो लगभग 0.12% होता है, ठीक है, पॉइंट, इसमें पॉइंट लिखते हैं हम लोग, लेस देन 0.12% होता है। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है सर, इससे हमारा क्या फ़र्क पड़ता है, सुनते चलना, ठीक है, इससे हमारा क्या नाम है, हाँ शॉक रेजिस्टेंस बढ़ती है। फॉस्फोरस से हमारी 2-3 चीज़ें हो रही हैं सर, एक तो शॉक रेजिस्टेंस बढ़ रही है, एक तो सर हमारी शॉक रेजिस्टेंस बढ़ती है, शॉक रेजिस्टेंस बढ़ती है, और इलास्टिसिटी और डक्टिलिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो तुमको पता रहनी चाहिए, बस इससे ज़रूरत नहीं है, बहुत है, ठीक है। तो ये हमने तुमको सब समझा दिया है कि हमारी ये कार्बन कंटेंट और ये बाकी सारी प्रॉपर्टी से क्या क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन हो गया, 3 चीज़ें सर आपने बताई हमको मेनली, एक आपने बताया सर कार्बन के बारे में, एक आपने बताया सिलिकॉन कंटेंट के बारे में, एक आपने बताया सर फॉस्फोरस के बारे में, ठीक है। तो मेनली देखो तुम कार्बन को याद रखो, सिलिकॉन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ब्रिटलनेस बढ़ेगी, और फॉस्फोरस भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉस थोड़ा आप डालेंगे तो उसकी इंपैक्ट रेजिस्टेंस, शॉक रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो अच्छी बात है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये सब बहुत कम परसेंटेज में है, मेनली आपके स्टील के अंदर आयरन हम लोग को देखने को मिलती है, आयरन देखने को मिलती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जरा आगे हम लोग, आगे जरा हम लोग बात करते हैं। अब क्या है यार, हमको जो है स्टील का बिहेवियर पढ़ना है, स्टील का बिहेवियर पढ़ना अंडर टेंसाइल लोड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टील पे हम लोग टेंसाइल लोड लगाएंगे, सबने पढ़ रखा होगा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन हम लोग एक सैंपल लेते हैं, उसमें लोग लोड लगाते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, हाँ ऐसा ही लग रहा है भाई, ऐसा ही लग रहा है ना, चलो कोई नहीं, ठीक है। आप सुनो तो सर देखिए ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोड लगाते हैं। पहले जरा देखो एक चीज होती है, जैसे मान लो तुमने स्टील मेंबर लिया, स्टील मेंबर लिया, देखो ध्यान समझेंगे सब लोग, ध्यान समझेंगे यहाँ पे, चलो इसको पूरा ही बना देते हैं वहां तक, है ना। ठीक है सर, ओके। तो देखो अब हम स्टील मेंबर लेने जा रहे हैं यहाँ पे, ये सर हमारा स्टील मेंबर हो गया, ज्यादा गड़बड़ कर दी यार, कोई नहीं। तो ये हमारा एक स्पेसिमेन है जिसको हमने लिया है, और इसको हम क्या करने वाले, पुल करने वाले हैं, इस पे हम टेंसाइल लोड लगाने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखो यार जरा, ठीक है। कौन सा लोड लगाने वाले सर आप यहाँ पे, सर आप यहाँ पे लगाएंगे कौन सा लोड, टेंसाइल लोड लगाने वाले हैं आप, ठीक है। अच्छा ठीक है, आपने बोला, मान लिया हमने। अच्छा ये जो स्पेसिमेन तैयार किया गया है, ये स्पेसिमेन तैयार किया जाता है अकॉर्डिंग टू IS 1608, ठीक है। ये कोड में लिखा हुआ है, टेस्ट स्पेसिमेन जो हमारा है, टेस्ट स्पेसिमेन लिया गया है, टेस्ट स्पेसिमेन लिया गया है एज पर IS 1608। उसके अलावा टेस्ट में हमारा IS 1608 से लिया गया है, उसके अलावा इसको हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में टेस्ट कर रहे हैं, और वो भी रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर हम लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर हमारा कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो हम लोग इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। अब ये जो होता है देखना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, ये जो हमारा बीच का लेंथ है, हम अब देखो तुम क्या करोगे, तुम स्टील को पकड़ते हो, उसको पुल करते हो, तो ये जो बीच की लेंथ होती है यार, इसको हम लोग बोलते हैं गेज लेंथ। ये जो बीच की लेंथ तुम देख रहे हो यहाँ पे, एक सेकेंड, बीच की जो लेंथ है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं गेज लेंथ। क्या बोलते हैं सर इसको, गेज लेंथ बोलते हैं, गेज लेंथ, ठीक है। अच्छा सर ये लेंथ कितनी रखनी होती है, ठीक है, गेज लेंथ कितनी रखनी होती है। देखो एक बात समझो, तुम यूटीएम मशीन की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए सर मशीन होती है, ये जो पोर्शन तुम देख रहे हो, ये पोर्शन पकड़ने वाले पोर्शन है, ये पोर्शन हमारे मशीन के पकड़ने वाले पोर्शन, जो उसको क्या करते हैं, पुल करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, देखो अभी समझ जाओगे, सुनते चलना पहले। ये जो पोर्शन तुम देख रहे हो, ये जो पोर्शन तुम देख रहे हो, इसको हम लोग, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ग्रिप है, ये ग्रिप लेंथ में आता है, ये ग्रिप लेंथ है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमको एक बात बताओ, तुमको हमने बॉन्ड वॉन्ड पढ़ाया था जब, तो उसमें तुमको डेवलपमेंट लेंथ पढ़ाया था। अब देखो ऐसा है, अगर डेवलपमेंट लेंथ मतलब तुम यहाँ पे ग्रिप लेंथ अगर परफेक्ट नहीं होगी, ग्रिप लेंथ परफेक्ट नहीं होगी, तुम बताओ इसमें तुम स्टील में प्रॉपर स्ट्रेस डेवलप कर पाओगे, प्रॉपरली उसको पुल कर पाओगे, नहीं। तो कम से कम हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रिप लेंथ देनी पड़ती है। ये ग्रिप लेंथ की सिग्निफिकेंस यही है कि आप इसको अच्छे से पुल कर सके, आप अपने स्टील मेंबर को अच्छे से पुल कर सके, ठीक है। तो ये भी हमारी ग्रिप है, दिस इज ऑल्सो ग्रिप लेंथ, दिस इज ऑल्सो ग्रिप लेंथ, जिसको ये पकड़ने में हेल्प कर रही है, बस ये पकड़ने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तुमसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि हम लोग जब यूटीएम में टेस्ट करते हैं तो गेज लेंथ आखिर कितनी लेते हैं, गेज लेंथ आखिर कितनी लेते हैं, ये तुमको बहुत नोट्स में दिखाई देगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, गेज लेंथ हमारी जो होती है, ठीक है, डक्टिलिटी और इलास्टिसिटी में डिफरेंस। अच्छा अभी बताते हैं आगे, इलास्टिसिटी वैसे हम आगे बताने ही वाले हैं, रीगेन होने लगता है जब लोड हटा देते हैं, हमारा ओरिजिनल शेप रीगेन हो जाता है, उसी को बोलते हैं कि मटेरियल हमारा इलास्टिक है। और डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि यील्डिंग के बाद उसमें बहुत ज़्यादा परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग, फिलहाल सुनो। अच्छा गेज लेंथ जो हमारी है सर, दो नोट डाल के लिख देंगे यहाँ पे, नोट डाल के लिख देंगे कि गेज लेंथ कितनी रखी जाती है। पढ़ा होगा तुम लोगों ने शायद यार। सर देखिए दो सेक्शन है, एक हमारा रेक्टेंगुलर, देखो हमारी, देखो एक बात समझो, बार जो है सर हमारा रेक्टेंगुलर हो सकता है, या हमारा क्या नाम है, सर्कुलर हो सकता है, ठीक है, सर्कुलर सेक्शन हो सकता है, क्रॉस सेक्शन हमारा दोनों देखने को मिल सकता है, रेक्टेंगुलर या तो सर्कुलर, ठीक है, या तो रेक्टेंगुलर या तो सर्कुलर। तो अगर हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन क्रॉस सेक्शन होता है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के केस में हमारा जो गेज लेंथ होता है, रेक्टेंगुलर केस में हमारा जो गेज लेंथ LG लिख देते हैं, वो हमारा होता है 5.65 5.65 अंडररूट ए नॉट। ठीक है, ये जो स्टील का जो बीच का पोर्शन है जो खींच रहा है वो आपका क्रॉस सेक्शन आपका कैसा है, उसका कैसा है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर है। ठीक है, और ये ए नॉट क्या है, ए नॉट है उसी का क्रॉस सेक्शन। ए नॉट क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। सर दिस ए नॉट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, यही लेकिन अगर मान लो हमारा, यही मान लो अगर सर्कुलर होता, यही मान लो अगर सर्कुलर होता तो हमारा जो गेज लेंथ होता वो होता 5D, वो हमारा रहता 5D होता। अब D क्या है, डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, देखो सर्कुलर होगा तो हमारी बार होगी। ठीक है, हमारा गेज लेंथ हमको फिर कितनी रखनी है, डायमीटर का 5 टाइम्स, डायमीटर का 5 टाइम्स। यही वो पोर्शन है जहां पे हमारी स्टील एक्चुअल में खींच रही होगी, यही वो पोर्शन है स्टील जहां पे हमारी एक्चुअल में खींच रही होगी और बाकी इधर जाके ब्लॉक हो जाती है। अब यहाँ पुल होना शुरू करेगी और फिर ये हमारी क्या करेगी, फेल हो जाएगी और हम लोग स्ट्रेस ट्रेन कर यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, ये 5D होती है जहाँ पे ऑब्वियसली D हमारा क्या है, D हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कुलर सेक्शन, डायमीटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, बेसिक सी बात है। तो ये हमारी हो गई क्या, गेज लेंथ। ये हमारी क्या हो गई, गेज लेंथ। ठीक है, फिर इसके बाद ऑब्वियसली अब देखो हम तुमको, तुमने पढ़ रखा होगा कि बनता है हमारा स्ट्रेस ट्रेन कर्व, सबने पढ़ रखा होगा, बहुत कॉमन मटेरियल है ये। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड निखिल, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो सुनते चलो अभी। ठीक है, तो अब हमारा बनता है फिर क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरीके का बनता है यार। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमारा इस तरीके का बनता है, तो ये हमने पढ़ रखा है सर। तो अब जब हम क्या करते हैं, हम लोग यूटीएम मशीन में इसको पुल करते चले जाते हैं, स्ट्रेन जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं, स्ट्रेन जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं। यहाँ देखेंगे सब लोग बहुत ध्यान से फोकस करेंगे, यहाँ वैल्यूज हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है सर, जैसे जैसे आप स्ट्रेन बढ़ाएंगे यहाँ पे वैसे वैसे, जैसे इधर स्ट्रेन लिखा हुआ है, इधर सब लोग देख पाएंगे, इधर हमारा स्ट्रेन लिखा हुआ है, यहाँ पे हम ये लिख दे रहे हैं स्ट्रेन। ठीक है, और इधर हमारा क्या है सर, स्ट्रेस है, इधर स्ट्रेस है, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा हम लोग को पॉइंट समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सर ऐसा होता है कि पहले तो ये ग्राफ लीनियरली बहुत तेजी से ऊपर जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल कम पॉइंट्स दिख रहे हैं और देखो इतना नहीं होता है एक्चुअल में, पता है तुमको ये पॉइंट्स बहुत पास पास होते हैं, ये पॉइंट्स अब बहुत पास पास हैं। तो देखिए ए है, बी है, बल्कि यहाँ पे माइल्ड स्टील अगर होती तो ये कर्व इस तरीके से जाता है, शायद तुमको पता हो। ठीक है, मतलब एक्चुअल कर्व हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, ये हमने देख रखा है। ठीक है, इसको बोलते हैं ईल्ड प्लेटू, इसको हम लोग बोलते हैं ईल्ड पॉइंट, शायद तुमने पढ़ा हो। चलो एक एक करके देखते हैं हम लोग, एक एक करके देखते हैं, सारे पॉइंट्स हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है ए पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। इसको जल्दी जल्दी देख लो, उसको सर हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं भाई, है ना। ए पॉइंट हमारा जो है सर, ए पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट है। प्रोपोर्शनल लिमिट का क्या मतलब है कि अप टू दिस पॉइंट हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शन में है। हुक्स का ऑब्जर्वेशन था सबसे पहले, शायद तुमने पढ़ भी रखा हो, बेसिक है, बहुत बेसिक बात है ये। प्रोपोर्शनल लिमिट है, यहाँ तक हमारा स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मुला वैलिड, हुक्स ने ऑब्जर्व किया तो हमारा ये ग्राफ लीन। और देखो वैसे तुम बहुत इलॉन्गेटेड वर्जन बनाया हुआ है, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में कैसा तो हम बात करेंगे। ठीक है, बी हमारा क्या है सर, अब देखो एक्चुअल में ये ग्राफ ऐसा है नहीं, एक्चुअल में ग्राफ ऐसा है नहीं, हम लोग बात करते हैं कैसा है, हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कैसा है, क्लासिफिकेशन क्रॉस सेक्शन बाद में देखेंगे। सर देखिए एक्चुअल में ऐसा है कि एक्चुअल में सर ये जो ग्राफ है आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, ये ग्राफ आपका सर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रेट है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं सर अभी, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट, ऐसे इतना स्ट्रेट गया है, ये समझ पा रहे हो, इतना स्ट्रेट, ऐसा स्ट्रेट है एकदम, है ना, इतना स्ट्रेट है। फिर इसमें सर क्या हुआ है, इसको थोड़ा बीच में लाया जाए, इसको थोड़ा बीच में लाया जाए, फिर ये सर थोड़ा सा ऐसे गया है। ठीक है, और फिर ये हमारा ऐसे करके इस तरह से कर्व बना हुआ है। ठीक है, और अब जरा हम एक काम करते हैं, इसी में सारे पॉइंट्स वगैरह लिख देते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे तुमको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि स्टील एक्चुअल में कैसे क्या क्या हो रहा है। हाँ सर बताइए आप, ये देखो। ठीक है, जूम करते हैं थोड़ा सा और इसको, ये देखो एक बात समझो, ये जो पॉइंट है सारे बहुत पास पास हैं। आपने सर यहाँ पे 3-4 पॉइंट का नाम लिखा है, अभी हम लोग एक एक करके बात करेंगे। ये हमारा होता है भैया कौन सा, प्रोपोर्शनल, ये ए पॉइंट है, प्रोपोर्शनल लिमिट। ये हमारा कौन सा, इलास्टिक लिमिट। ये होता है अपर यील्ड पॉइंट। हो गया हो गया हो गया, चलो तो यही बता रहे थे कि ये सारे पॉइंट सर इतने पास पास हैं, इतने पास पास हैं सर ये कि कुछ पता ही नहीं चल पाता है यहाँ पे, तो बहुत पास में है सर ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, लिख देते हैं नाम, ये सर आप ए नाम दे रहे हैं, इसको बी नाम दे रहे हैं, इसको C नाम दे रहे हैं, इसको आप C डैश इसको बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं, ठीक है, इसको C बोल देते हैं। जनरली बुक्स में ऐसा रहता है ना। चलो चल गया, चिंता ना करो। नहीं बेटा स्पेशल क्लास आज नहीं होगी स्पेशल क्लास, ठीक है। ये हमारा C और ये हमारा D मान लो, ये D मान लो, और बाकी फिर ये तुम्हारा अल्टीमेट पॉइंट हो जाएगा। कर्व जरा बना लेने दो हमको, कर्व बना लेने दो, फिर हम लोग एंड करते हैं, चिंता ना करो, ठीक है। ये हमारा सबसे अल्टीमेट पॉइंट है, एफ यू है हमारा, ये हमारा एफ यू है। और ये जो हमारा डी पॉइंट है इसको हम लोग जनरली एफ आई बोलते हैं। ये जो डी पॉइंट है ये हमारा एफ आई है ना। यहाँ पे तुम स्ट्रेस पढ़ोगे तुमको ये मिलेगा। अच्छा कहाँ कितना स्ट्रेन रहता है जरा बात कर लेते हैं सर, थोड़ा सा स्ट्रेन की बात कर ली जाए तो देखो, ये जो डी पॉइंट है जिसको हम लोग जनरली ईल्ड बोलते हैं, यहाँ पे स्ट्रेन हमारा कितना रहता है, यहाँ पे स्ट्रेन कितना रहता है, अल्टीमेट पे स्ट्रेन कितना रहता है, और फेलियर पे स्ट्रेन कितना रहता है। माइल्ड स्टील है अपनी, क्योंकि बहुत कॉमन है सर, आपने हमको आज बताया था माइल्ड स्टील बहुत कॉमन होती है, वही यूज होती है जनरली। तो स्ट्रेन की थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग जरा। यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रेन होता है, अगर तुमने स्टील पढ़ रखी है हमसे, तो स्टील हमने तुमको पढ़ा रखा था, वो आरसीसी तुमको पढ़ा रखा हमने। ये जो स्ट्रेन होता है, ये स्ट्रेन सर आपका था 0 पॉइंट, याद है किसी को, 0.0125। देखो 0.0125 होता है, लेकिन जब तुम इसमें वहां पे क्या करते थे, 0.87 से डिवाइड कर देते थे। जब वहां पे तुम 0.87 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते थे, मतलब 1.15 का पार्शियल फैक्टर सेफ्टी रहता था, याद करो आरसीसी में, तो ये वैल्यू 0.00109 हो जाती थी, 0.00109 हो जाती थी। जिन्होंने आरसीसी पढ़ रखा है उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये ईल्ड पॉइंट है हमारा, ईल्ड पॉइंट अभी हम तुमको समझा रहे हैं। फिर हमारा ये जो पूरा ईल्ड प्लेटू रीजन है, ईल्ड प्लेटू वाला रीजन है, यहाँ तक हमारा होता है 0.015। ये कितना है, 0.015, ये हमारा 0.015 है। फिर हमारा ये जो अल्टीमेट वाली वैल्यू आ रही है सर, ये जो अल्टीमेट वाली वैल्यू आ रही है, ये लगभग ठीक है 0.2 पे आती है, 0.2 पे आ रहा है, ठीक है 0.2। और ये तुम्हारा जो फेलियर होता है जनरली ये तुम्हारा 0.23% मान लो, ठीक है 0.23 मतलब 23% मान लो। तो अब जरा हम परसेंटेज के टर्म में लिखें, परसेंटेज के टर्म से अगर हम थोड़ा सा लिखें तो देखो ये स्ट्रेन कुछ भी नहीं है, ये स्ट्रेन कुछ भी नहीं है, ग्राफ और पीछे होना चाहिए, ग्राफ और पीछे होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला जो आपका जब प्लास्टिसिटी शुरू होती है, जब वो अपना स्ट्रेस कांस्टेंट रख के स्ट्रेन बढ़ता ही चला जाता है, खिंचती चली जाती है, नेकिंग फॉर्मेशन हो जाता है बीच में, तब का स्ट्रेन है ये, ठीक है। ये हमारा रप्चर पॉइंट है, इसको हम लोग लेते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, ये हमारा रप्चर पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा रप्चर स्ट्रेन है। तो तुमसे कोई पूछे अगर माइल्ड स्टील में हमारा सर, हमारा माइल्ड स्टील में सर, हमारे माइल्ड स्टील में फ्रैक्चर स्ट्रेन कितना है, तो क्या बताओगे, ठीक है। फ्रैक्चर स्ट्रेन अगर तुमसे कोई पूछे तो लगभग कहाँ पे है, 23%, जो कि बहुत ज़्यादा है भाई, कम नहीं है, 23% हमारा फ्रैक्चर स्ट्रेन है ऑलमोस्ट, ठीक है। फ्रैक्चर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। ईल्ड हमको अल्टीमेट वैल्यू कहाँ मिल रही है, अल्टीमेट वैल्यू हमको सर कहाँ मिल रही है, 23%, या तुम कह सकते हो 0.23। अल्टीमेट वैल्यू तुमको कहाँ मिल रही है, 20% पे, ठीक है। और ये तुम्हारा ईल्ड प्लेटू। अब जरा पीछे का डायग्राम देखेंगे, पीछे डायग्राम देखेंगे तो सर यहाँ तो सारे पॉइंट आसपास आगे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ABCD है ना। तो एक एक करके जरा लिख देते हैं हम तुमको सारे पॉइंट के नाम, और फिर हम तो उसकी सिग्निफिकेंस बता देते हैं, ABCD, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ABCD को देखते हैं, कोई मूवी नहीं है। ए हमारा सर कौन सा पॉइंट, प्रोपोर्शनल, ए सर हमारा कौन सा पॉइंट था, प्रोपोर्शनल लिमिट है ना। ए सर हमारी कौन सी लिमिट है, प्रोपोर्शनल लिमिट है। ए सर हमारी कौन सी लिमिट है, प्रोपोर्शनल लिमिट। बी कौन सी लिमिट है, इलास्टिक लिमिट। एक एक करके समझेंगे सारा, ठीक है। ए हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट है, बी हमारी इलास्टिक लिमिट है, सी हमारा अपर यील्ड पॉइंट है, सी हमारा अपर यील्ड पॉइंट है, ठीक है। डी हमारा लोअर यील्ड पॉइंट है, डी हमारा लोअर यील्ड पॉइंट है, ठीक है। अब लोअर यील्ड पॉइंट के बाद देखिए एक बात समझिए पहले सर, ये ABCD आप जितनी आराम से देख पा रहे हैं वो हमको नहीं दिख रहे हैं, वो सब एक ही जगह हमको दिखाई दे रहे हैं। कर वहां से सीधा ऐसा सीधा निकल गया है ना, तुम उसमें फर्क नहीं कर पाओगे, ठीक है। सब तुमको आसपास दिखाई दे रहे हैं, बात समझो यहाँ पे, ठीक है। फिर तुम्हारा ई पॉइंट तुमको जो देखने को मिल रहा है, ई पॉइंट तो लिखा ही नहीं हमने, ई पॉइंट ये तुम्हारा यहाँ से स्ट्रेन हार्डनिंग शुरू हो रही है, ये तुम्हारा यार ई पॉइंट है, ये तुम्हारा ई पॉइंट है जहां से स्ट्रेन हार्डनिंग होना शुरू हो रही है, ठीक है। स्ट्रेन हार्डनिंग मतलब स्ट्रेन बढ़ रहा है तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा यील्ड प्लेटू होता है जहां पे कांस्टेंट चल रहा है मामला एकदम, जहां थोड़ा छोटा किया जाए, बहुत बड़ा हो गया ये, ठीक है। तो ई पॉइंट हमारा क्या हो गया सर, यहाँ से स्ट्रेन हार्डनिंग हमारी शुरू होती है, ठीक है। स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट्स। उसके बाद अगर हम अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंचे, ठीक है। एफ तुम मान लो अल्टीमेट पॉइंट है, एफ मान लो अल्टीमेट वाला पॉइंट था जो सबसे ऊपर था, और एंड में फेलियर। अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाला पॉइंट कह सकते हो, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और हमारा एंड में हो जाता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और एंड हमारा हो जाता है फेलियर। ठीक है, एंड में हमारा हो जाता है सर फ्रैक्चर, और नेक बन के हमारा वो सेक्शन अलग हो जाता है। ठीक है, नेक बन के सेक्शन अलग हो जाता है। ये हमारा एफ है, ये हमारा यार एफ है सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ये मान लो जी है। ठीक है, तो ये हम समझ गए सर। अब थोड़ा सा जरा अगर हम लोग ग्राफ को अच्छे से देखें, ग्राफ को अच्छे से देखें यहाँ पे हम लोग, तो क्या देख पा रहे हैं सर, यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, सुनना ध्यान से सर। ग्राफ हमको ये देखने को मिल रहा है कि सर पहले तो लीनियरली हमारा ग्राफ ऊपर गया, ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक, स्ट्रेस एंड प्रोपोर्शनल रहा। उसके बाद उसने छुआ इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये होता है कि सर वहां तक जब आप उसको पुल कर रहे हैं, तो अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। उसके बाद जस्ट बगल में वहीं पे एक पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट के बाद सर क्या होता है, वो डिफॉर्म करना शुरू होता है, और परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें शुरू होता है, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू होगा, और उसके बाद उसका जो स्ट्रेस है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, लेकिन वो खींचता ही चला जाएगा, खींचता ही चला जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली प्लास्टिक हमारा जो स्टील था वो फैलता ही चला गया, यील्ड करता चला गया, यील्ड करता चला गया। ठीक है, समझो बात ध्यान से। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये पूरा यील्डिंग जोन है, हमारी यील्डिंग जोन है, ये हमारा यील्ड प्लेटू कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, यील्ड प्लेटू। अगर तुमने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो तुमको पता होगा प्लेटू क्या होते हैं। ये माउंटेन्स होते हैं, ये माउंटेन होते हैं हमारे, है ना, और ये हमारे प्लेटू रीजन होते हैं जो फ्लैट होते हैं, प्लेटू रीजन, है ना। तो देखो ये तुम्हारा प्लेटू जैसा दिख रहा है, और अच्छा खासा डिफॉर्मेशन यहीं पे होता है। यही जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, जो लोड हटाने पे वापस नहीं आएगा, खींचता ही जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं यील्डिंग, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है जो हम लोग कल लिखेंगे, चिंता ना करना। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं तुम लोग को, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या समझ में आया सर हमको, ये हमारा हो गया क्या, यील्डिंग प्लेटू, ये हमारा यील्डिंग प्लेटू हो गया पूरा बीच का। उसके बाद क्या होगा, स्ट्रेन हार्ड होगा, स्ट्रेन हार्डनिंग होगी सर, स्ट्रेन हार्डनिंग होगी। यहाँ पे हमारा स्ट्रेन बढ़ा, मरने से पहले वो एक बार और ताकत लगा रहा है, मरने से पहले एक बार और कोशिश कर रहा है, अपने स्ट्रेस को बढ़ाता है, कह रहा है बच्चा कोशिश कर लेते हैं। तो ये मिलती है हमको अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलती है एफ यू। इसको हम लोग सर ग्राफ में क्या डिनोट करेंगे सर, यहाँ पे हम डिनोट करेंगे एफ यू। एक सेकेंड, यहाँ पे सर हम लोग क्या डिनोट करेंगे, एफ यू। यहाँ पे क्या डिनोट करेंगे, एफ वाई। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट बहुत पास पास हैं, और फिर एंड में हमारा फ्रैक्चर हो जाता है। अच्छा, ये जो हमने कर बनाया, ये हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जिसमें हमने ओरिजिनल एरिया लिया था, ए नॉट लिया था। ठीक है, अगर देखो होता क्या है, जब तुम इसको पुल करते जाओगे, कमेंट करके बताओ, जब हम इसको पुल करते जाएंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। यस लिखेंगे एक बार सब लोग, ठीक है, कमेंट कर देंगे एक बार। ये जो कर्व है सर, ये हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जिसमें हमने ओरिजिनल एरिया लिया है, जिसमें स्ट्रेस निकालने के लिए हमने पी अपॉन ओरिजिनल एरिया ए नॉट लिया है। ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे हम इसको पुल कर रहे थे बार को, जैसे जैसे हम बार को पुल कर रहे थे सर, तो हमारा एरिया क्या हो रहा था, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा था, जल्दी बताओ। ठीक है, यस सर क्या लिख रहे हो, कम हो रहा था कि नहीं? हाँ, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा था, कम हो रहा था, कम हो रहा था, बिल्कुल। तो खुद बताओ, अगर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा ना। अगर क्रॉस, तो हम अगर हमेशा एक्चुअल एरिया लिखते रहें, तो एक्चुअल एरिया अगर लिखते रहोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता जाएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम होगा तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो जो ऊपर वाला कर्व देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये हमारा एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जो हमारा एक्चुअल स्ट्रेस से करस्पॉन्डिंग है। एक्चुअल एरिया यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए एक्चुअल। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एक्चुअल एरिया जो समय के साथ बदलता जा रहा है लोड लगने पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है तुमको, जल्दी बताओ। कल हम लोग को देखो बहुत सारी चीज़ें भी और जाननी है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो पूछी जाती हैं। ठीक है, तुमसे यहाँ पे ये सब चीज़ें पूछते हैं कि हमको अगर यील्डिंग प्लेटू कम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको ये वाला जोन, इस जोन को हमको हटाना है, ये जो जोन देख रहे हो, जो मुड़ा हुआ पोर्शन है, अगर हमको इसको इग्नोर करना है, हम चाहते हैं कि हमारे स्टील के अंदर ये पोर्शन ना आए, तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, इस तरह के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो जेईई में पूछे गए हैं, तो वो हम तुमको कल नोट डाल के बताएंगे। फिलहाल हमको एक बेसिक सी बात आज समझ में आ गई सर, आप जरा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्लास हम लोग थोड़ा सा एंड करते हैं अब। ठीक है, कोई रिकैप लेते हैं। हाँ, ध्यान सुनो, ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, सही बात है, ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, बिल्कुल सही बात है। इसमें हमने सर यहाँ पे अब रिकैप करते हैं थोड़ा सा आज का। ठीक है, बाकी कल हम लिखवाएंगे तुम्हें, और अभी सुनते चलो। तो ये हमारा सबसे पहले प्रोपोर्शनल लिमिट था, जहाँ तक हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्रोपोर्शनल था, लीनियर था। ये सर हमारा बी इलास्टिक पॉइंट था। इलास्टिक का मतलब यहां तक आप जब लोड लगा रहे हैं, जो उसको खींच रहे हैं, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वापस अपनी पोजीशन में चला जाएगा इलास्टिक। यहां से सर यील्डिंग शुरू हुई, अपर यील्ड पॉइंट है ये हमारा, ये लोअर यील्ड पॉइंट है, ठीक है। ये जो माइक्रो स्ट्रक्चर इसका होता है, ग्रेन बाउंड्री जिसकी होती है, उस हिसाब से ये सब चीजें होती हैं, तो मैं फिलहाल वो सब नहीं जानना है। ये हमारा अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, यहाँ से हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू होता है। यहाँ पे स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाता है और हमारा स्टील खींचती चली जाती है। फिर मरने से पहले एक बार और कोशिश होती है स्ट्रेन हार्डनिंग की, और ये हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस, और फिर फ्रैक्चर आता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। और सर ये जो हमने पूरा का पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया है, इसमें हमने ओरिजिनल एरिया से डिवाइड किया था, ओरिजिनल एरिया से, यही तुमको हम बता रहे हैं। तो हमने जब इसको ओरिजिनल एरिया से डिवाइड किया जो शुरुआत में था, तो हमारा कर्व ये बना, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं। लेकिन अगर तुम इसको हर बार एक्चुअल एरिया से डिवाइड करोगे, देखो एक बात समझो यार, हमारा जो एरिया था वो ये था, लेकिन जब तुम इसको पुल करते जाओगे तो एरिया कम होगा कि नहीं होगा यार बाद में? हाँ सर एरिया तो कम होगा। जब एरिया कम होगा तो मेरे भाई एक्चुअल स्ट्रेस तो बढ़ जाएगा ना बाद में। अगर एरिया कम हो रहा है तो एक्चुअल स्ट्रेस बढ़ेगा, तभी ये ग्राफ जो दूसरा वाला देख रहे हो जो ऊपर निकल गया है, ये दूसरा ग्राफ क्या है, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जिसको हमको नहीं लेना है, जिसको हमको नहीं लेना है, ठीक है। उसके पहले हमने तुमको बिहेवियर बता दिया, हमने तुमको बता दिया कि गेज लेंथ कितनी लेते हैं, कितनी लेंथ लेते हैं जिससे हम अपने स्टील को टेस्ट करते हैं, वो तुमको पता रहना चाहिए, 5.65 अंडररूट ए नॉट रेक्टेंगुलर केस में, और सर्कुलर केस में 5d, ठीक है। ग्रिप लेंथ तुमको पता रहनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि हम लोग उसको मजबूती दे सकें। बाकी फ्लैट बार एंगल्स, कई टाइप के डिफरेंट टाइप के क्रॉस सेक्शन सर आपने हमको बताया, ठीक है। उसके पहले अगर हम बात करें तो आपने स्ट्रक्चर के बारे में बताया हमको, आपने बताया कि स्टील में मेनली हमने ये देखा, स्टील में ये देखा कि हमको एक सूटेबल सेक्शन ट्रायल बेसिस पे लेना पड़ता है जो हमारे गिवन लोड को बेयर कर सके, ऐसा हमको करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम टेंशन नंबर डिजाइन करेंगे, कंप्रेशन नंबर, स्टील टेबल का यूज करेंगे, कोड का यूज करके हम लोग अलग अलग सेक्शंस को ट्राई करेंगे, है ना, कौन कौन सेक्शन होंगे। बाकी फिर आपने हमको बताया आज कि स्टील के अंदर सर मेनली हमारा कार्बन होता है, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करने में, जैसे कि हमारी हार्डनेस बढ़ती है, सॉफ्टनेस कम होती है, डक्टिलिटी कम होती है, ब्रिटलनेस बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, टफनेस कम होती है, सब तुमको बता चुके हैं, ठीक है। सिलिकॉन कंटेंट थोड़ी मात्रा में सही है लेकिन बहुत ज्यादा होगा तो ब्रिटलनेस होगी। फॉस्फोरस कंटेंट उसकी इंपैक्ट झेलने की क्षमता को सर बढ़ाता है और डक्टिलिटी स्ट्रेंथ को कम करता है, फॉस्फोरस अगर ज्यादा होगा तो, ठीक है। बस इतना हमने पढ़ा, स्टील अच्छी खासी हार्ड होनी चाहिए, ये हमने देखा। फिर सर आपने हमको स्टील का क्लासिफिकेशन बताया कार्बन के बेसिस पे, कार्बन कम है, बहुत कम, तो उसको माइल्ड स्टील, 0.3% से कम, ज्यादा है तो आपका मीडियम स्टील हो जाएगी, फिर और ज्यादा है तो हाई कार्बन, और ज्यादा तो अल्ट्रा हाई कार्बन, ठीक है। ये हमारी प्लेन कार्बन स्टील्स की बात थी। बाकी आपने हमको बताया बनता कैसे है, उसके एडवांटेजेस बताए, स्टील बहुत जल्दी से इरेक्ट हो जाता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और स्टील बहुत कॉमनली मटेरियल, कॉमन मटेरियल जो यूज होता है हमारा, ठीक है। ये सब हमने बातें करी आज, और कैसे वो बनता है ये हमने पता लगाया, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमने समझाया कि स्टील एक्चुअल में है क्या, कैसे बनती है। कुछ अगर तुम प्रॉपर्टीज की और बात करो वो भी देख ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा कोड में क्लॉज में सेक्शन नंबर 2 जो मटेरियल्स तुम देख रहे हो यहाँ पे, देखते चलना ध्यान से, तो यहाँ पे देखो कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं कि स्टील के जो यूनिट मास है वो 7850 kg/m³ होना चाहिए, इलास्टिसिटी वही जो अभी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था उसका स्लोप ई हमारा होना चाहिए, पॉइजन रेशियो 0.3 होना चाहिए, जी इतना होना चाहिए, और थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट 12 × 10⁻⁶ होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हम लोग कल देखेंगे, कल से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी शुरू हुई है क्लास, इंट्रोडक्शन था, तब भी हमने तो आज बहुत अच्छा खासा कंटेंट कवर कर दिया है, और ऐसे ही हम लोग एक रेगुलर स्पीड बनाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो कोड सब लोग डाउनलोड कर लेंगे, उम्मीद कर रहे हैं सभी बच्चे कोड डाउनलोड कर लेंगे, और ठीक है सभी बच्चे कोड डाउनलोड कर लेंगे और बढ़िया से नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ, ठीक है। तो चलो ये सब कुछ बेसिक चीजें, देखो देखो स्पीड की तुम चिंता ना करो, बिल्कुल स्पीड की देखो चिंता ना करो, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीजें आराम से पढ़ने वाले उसको हम आराम से पढ़ेंगे, अब तुमको ये सब चीजें ज्यादा पूछेगा नहीं, तो इसलिए, लेकिन पता होना चाहिए, क्या पता एक आध क्वेश्चन बन जाए, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको लेके चल लेते हैं हिसाब से, ठीक है, फास्ट ट्रैक प्रोसेस में। लेकिन चलो कोई नहीं, हम लोग स्लो कर देंगे, फिर हमसे ये मत बोलना स्लो हो गया था, ठीक है, चलो ठीक है, हाँ सब हो जाएगा, सब हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सब कुछ होगा, सबका आंसर हाँ है। तो चलो एंड करते हैं, और उम्मीद करें तुम लोग सेशन को शेयर वेयर कर दोगे, सब लोग शेयर वेयर कर दोगे, और हाँ गति चलो धीमे कर देंगे, ठीक है, गति चलो धीमे कर देंगे, ठीक है, ठीक है, चलो ओके, चलो गति धीमे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम लोगों ने ये सब पढ़ा नहीं है ना, इसलिए हम कुछ स्लाइड्स में ऐसी थी जो हमने प्रीवियसली पढ़ा रखी है, तो इसलिए हमने गति बढ़ा दी थी यहाँ पे, चलो कोई नहीं, गति हो जाएगी, हम लोग रिवाइज करेंगे बार बार, सब हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो तो एंड करते हैं हम लोग फिलहाल अभी, और बाकी तुमको टेलीग्राम पे सब मिल जाएगा, और हमें भी बीएमसी का लिंक, हम तुमको बेसिक क्लास थी, और हम लोग अब कल इंट्रोडक्शन को और आगे बढ़ाएंगे, और फिर हम लोग कनेक्शन नंबर्स शुरू करेंगे धीमे धीमे, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन, और सब लोग सेशन को शेयर कर देंगे, हम लोग कल सुबह 7 बजे RCC पढ़ेंगे और शाम को 4 बजे स्टील पढ़ेंगे, इसी तरह से टेक केयर एवरीवन, और सभी लोग आप मृगांक सर की क्लास अटेंड कर सकते हैं 5:30 बजे, आज वो ओसीएफ शुरू कर रहे हैं। टेक केयर एवरीवन। Unacademy, let's crack it. सर मुझे अनअकैडमी कॉम्बैट की स्कॉलरशिप मिल गई। अरे वाह यार, कांग्रेचुलेशंस। सर लास्ट टाइम खेल रहे थे तो 6th रैंक थी, अब टॉप 3 में आकर स्कॉलरशिप जीत ली सर। छोड़ दिया सर हैं। सर थैंक्स टू यू एंड अनअकैडमी, आपने गाइड किया था। अनअकैडमी के लेक्चर और आपकी क्लासेस की वजह से फूटा है सर। ये गेमिफाइड रिवीजन क्विज है, प्रिपरेशन बिल्कुल सही हो गया होगा। हाँ यस सर, अब बस रिवीजन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता रहता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहना, ठीक है? ये कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते रहो, और अंकुर बाबू डोंट टेक चांसेस हैं।